नमस्कार दोस्तों, मैं के विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक एग्जाम 2024 में जो दोस्तों होने वाला है उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये एग्जाम के अलावा ये जो वीडियो और सीरीज हमारी है दोस्तों, वो सभी प्रकार के रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, इन सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज हमने फिर से रक्त संबंध का आज हम लोग पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, सिक्स। और दोस्तों, इस पार्ट में टोटल 151 नंबर से लेकर के 180 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपको रक्त संबंध के बाद जो भी नया चैप्टर पढ़ना हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं वो चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ा दूंगा। और पढ़ना तो दोस्तों हमको ये संपूर्ण बुक ही है, हम संपूर्ण बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का, साथ में दोस्तों साइंस और जनरल साइंस का हम लोग यहाँ पे संपूर्ण बुक यहाँ पे हम लोग YCT का पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास जो हमारी रीजनिंग की होती है वो हर रोज शाम को 4 बजे होती है और मैथ की क्लास हर रोज शाम को 6 बजे होती है। तो आप लोग दोस्तों ये क्लासें हमारी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि आदिल ने कहा, वह औरत मेरे भतीजे के पिता की माँ की इकलौती बहू है। अगर आदिल का केवल एक ही भाई है तो वह औरत आदिल से किस प्रकार से संबंधित है। देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आदिल ने कहा, मान लीजिएगा आदिल जो है एक तस्वीर की तरफ देख करके कहता है। मान लीजिएगा यहाँ पे पहले हम कहीं क्या बना लेते हैं, आदिल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिएगा कहीं ये आदिल हो गया, हमने यहाँ पे ये आदिल बना लिया। अब कहा गया है कि आदिल ने कहा, वह औरत मेरे भतीजे के पिता, मेरे भतीजे के पिता, यानी कि देखें तो आदिल का भतीजा मान लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा, आदिल के भतीजा के पिता, तो यहाँ पे ये मान लीजिएगा इसके ये हो जाएंगे आदिल के भतीजे के पिता, ये मान लीजिएगा आदिल के कौन हो जाएंगे, ये भतीजे हो जाएंगे, ठीक है। आदिल के भतीजे के पिता कहा गया कि वह जो औरत है वह औरत मेरे भतीजे के पिता, मेरे भतीजे के पिता की माँ की इकलौती बहू है, यानी कि इनकी माँ, यानी कि इनके पिता की माँ की इकलौती बहू है। इकलौती बहू का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इकलौती बहू है। अगर आदिल का केवल एक ही भाई है, ये कौन हो जाएगा आदिल का, आदिल का ये एक भाई हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये आदिल का भाई होगा, कहा गया इकलौती बहू है, तो यानी कि ये जो तस्वीर वाली व्यक्ति है ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों इकलौती, आगे लिख देते हैं दोस्तों बहू, इकलौती बहू, और ये हो जाएगी ये यानी इनके ये आ जाएगी इकलौती बहू, यानी कि ये इनकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है ना, इनकी पुत्री हो जाएगी, यानी कि इनकी इकलौती बहू, अच्छा ये बहू हो जाएगी, पुत्री कैसे होगी दोस्तों, पुत्री नहीं कहेंगे, अर्थात इनकी ये बहू हो जाएगी। जब इनकी बहू होगी तो इनके जो ये पुत्र है यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों बहू, ठीक है, ये हो जाएगी बहू। तो ये एक प्रकार से देख लीजिएगा, ये इनका एक हस्बैंड वाइफ का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, और आदिल का एकमात्र भाई है, तभी तो ये इसके यानी कि भतीजे के जो ये इनका पुत्र होगा, इनके भाई ही ये, तो तभी तो भतीजे लगेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर आदिल का केवल एक ही भाई है तो वह औरत आदिल से किस प्रकार से संबंधित है, यही है तस्वीर वाली औरत, ठीक है ना, यही तस्वीर वाली औरत है। तो कह रहा है आदिल से किस प्रकार से संबंधित है ये औरत, आदिल से किस प्रकार से संबंधित है ये औरत, हमको ये बात बतानी है। तो ये आदिल से किस प्रकार संबंधित है ये औरत, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे देखें तो आदिल के ये भाई के वाइफ है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, जब ये आदिल के भाई की वाइफ है तो इसकी आदिल की कौन हो जाएंगी, आदिल की भाभी हो जाएंगी। तो भाभी शब्द यहाँ पे डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 151 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 151 के बाद दोस्तों 152 नंबर क्वेश्चन, और 152 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है
कि अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, वह अकबर से कैसे संबंधित है। ये बात यहाँ पे बतानी है। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया। देखिए अकबर तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहीं बना देते हैं, अकबर लिख देते हैं। अब अकबर ने क्या कहा है, एक तस्वीर को देख करके क्या कहता, अब तस्वीर कहाँ पे बनेगी भी ये क्लियर नहीं है। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा कि वह मेरे साले के पिता। अब मेरे साले के पिता यानी कि अकबर ने कहा कि वो जो तस्वीर वाली व्यक्ति है वो मेरे साले के पिता। तो मान लेते हैं अकबर का ये कौन होगा, ये होगा साला। अकबर का मान लेते हैं ये साला। साला कौन होता है दोस्तों, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला। तो देखिए वह मेरे साले के पिता यानी कि मेरे साले के ये कौन हो जाएंगे, यानी कि ये पिता हो जाएंगे मेरे साले के पिता। अर्थात ये इनका मैं कौन हो जाऊंगा, इनका मैं दामाद हो जाऊंगा। ठीक है, साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है। के भाई, अब देखिए पिता के भाई यानी इनके साले के पिता के भाई, तो यहाँ पे भाई मान लीजिएगा, इनके पिता के भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, भाई की इकलौती भतीजी है। यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, इकलौती भतीजी। अब देखिए यहाँ पे इनकी इकलौती भतीजी कह लेते हैं, ये हो जाएगी इकलौती, आगे लिख देते हैं दोस्तों भतीजी। दोस्तों इकलौती भतीजी कौन कैसे होगी, यानी कि ये हो जाएगा भतीजी हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों भतीजी। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये इनकी पुत्री होगी ना, तभी तो ये इनके भाई की ये भतीजी बनेगी आकर के। ये इनकी कौन हो जाएगी, ये इनकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अर्थात ये जो साला है, इस साले की ये कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इस साले की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि यही तस्वीर वाली व्यक्ति है, यही तस्वीर वाली व्यक्ति है, ये जो ये भतीजी बनी है ये तस्वीर वाली व्यक्ति है। तो कहा क्या गया है कि अकबर से कैसे संबंधित है, अकबर से कैसे संबंधित है। देखिए अकबर से ये जो तस्वीर वाली महिला है कैसे संबंधित है, तो ये कौन हो जाएगी अकबर की, यानी कि ये इनकी पत्नी हो जाएगी। यानी कि पत्नी, जब पत्नी होगी तभी तो पत्नी का जो भाई होगा तभी तो साला बन रहा है। तो इसका मतलब ये अकबर की कौन हो जाएगी, पत्नी। पत्नी शब्द यहाँ पे डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 152 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 152 के बाद दोस्तों 153 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, गुरु का सचिन से क्या संबंध है, ये बात यहाँ पे हमको बताना है। अब इसने ये कहा कि गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, गुरु की माँ, तो गुरु की जो माँ होगी वो सचिन की माँ की इकलौती बेटी है। गुरु की माँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम सबसे पहले कहीं गुरु लिख लेते हैं। अब गुरु की जो माँ होगी, यहाँ पे मान लीजिएगा गुरु की माँ हो गई, गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी है। गुरु की जो माँ होगी वो सचिन के माँ की इकलौती बेटी है, सचिन के माँ की इकलौती बेटी है। सचिन के माँ की कौन बन जाएगी दोस्तों, इकलौती बेटी बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम गुरु की माँ मान लेते हैं, ये हो गई। अब इसने कहा सचिन के माँ की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं सचिन, इस जगह पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, सचिन लिख दिया। अब इसने कहा सचिन के माँ, देखिए सचिन की माँ यहाँ पे हो जाएंगी, सचिन के माँ की आगे कहा है इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब ये कौन हो जाएंगी, गुरु की जो माँ होंगी सचिन के माँ की इकलौती बेटी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्या, इकलौती रख दिया, आगे लिख दिया दोस्तों बेटी लिख दिया, यानी कि सचिन के माँ की इकलौती बेटी हो गई। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, इकलौती यहाँ पे आगे इकलौती बेटी या पुत्री कुछ भी हो कह लीजिएगा, इकलौती बेटी है। तो गुरु का सचिन से क्या संबंध है, हम कहेंगे सचिन से क्या संबंध है गुरु का, सचिन से क्या संबंध है गुरु का, ये बात यहाँ पे बताना है। सचिन से क्या संबंध है गुरु का, ये बात यहाँ से इस प्रकार से बतानी है। देखिए जब ये सचिन की माँ है और इसकी भी माँ है, तो ये सचिन की कौन हो जाएंगी, ये सचिन की बहन बन जाएंगी। और सचिन की बहन का जो लड़का है, यानी कि ये सचिन का कौन हो जाएगा, यानी कि सचिन है ये, तो सचिन यानी कि अर्थात हमारी जो बहन का लड़का होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा भांजा होगा। तो यानी कि भांजा शब्द यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 153 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 153 के बाद दोस्तों आगे 154 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि धरुण का एक भाई आनंद है, और धरुण जो है कुमार का पुत्र है, कृष्णन कुमार के पिता है, आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित है, ये बात यहाँ पे बतानी है। देखिए सबसे पहले इसने कहा है कि धरुण का एक भाई आनंद है,
किसका भाई दोस्तों, धरुण का एक भाई कौन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो यहां पे मान लीजिएगा हमने यहां पे कहीं लिख दिया दोस्तों धरुण लिख दिया, धरुण का, अब देखिए धरुण का एक भाई आनंद हो गया, धरुण का एक भाई हमने यहाँ पे क्या भर दिया दोस्तों, आनंद भर दिया। चलिए यहाँ पे हमने धरुण का एक भाई आनंद, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई शब्द लिख दिया, धरुण का एक भाई आनंद हो गया। अब कहा गया है कि धरुण जो होगा वो कुमार का पुत्र है, धरुण जो है कुमार का पुत्र है, इसका मतलब दोस्तों कुमार यहाँ कहीं बनेगा और इसका पुत्र हो जाएगा धरुण, यानी कि देख लीजिएगा हमने यहाँ बना दिया धरुण, धरुण जो है कुमार का पुत्र है, कुमार का ये पुत्र हो गया। कृष्णन कुमार के पिता है, अब देखिए कृष्णन जो होंगे वो कुमार के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने कहीं लिख दिया दोस्तों कृष्णन लिख दिया, कृष्णन हो गया, कृष्णन जो है कुमार के पिता है, तो ये जो कृष्णन है वो कुमार के पिता है, हमने कुमार के पिता रख दिया, ठीक है, कृष्णन जो है कुमार के पिता है। फिर आगे कहा है आनंद जो होगा कृष्णन से कैसे संबंधित है, आनंद ये जो आनंद है करा कृष्णन से कैसे संबंधित होगा, कृष्णन से कैसे संबंधित है आनंद, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। तो देखिए हमने बताया आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित, हमने बताया यहां से आप दूसरे वाले लेटर देखिए कृष्णन से कैसे संबंधित है आनंद, तो यहां से कृष्णन से कैसे संबंधित है आनंद ये बात बतानी है। तो देखिए जब ये धरुण के पिता है ना, यानी कि इनके कुमार के पिता कौन हो जाएंगे, ये भी पिता ही है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये कह लीजिए ये धरुण के पिता कुमार है, कुमार के पिता कृष्णन है, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो देखिए इनका जो बेटा ये हो जाएगा और इनके बेटे का बेटा इनका क्या हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भाई ही भाई तो हैं, तो यानी कि इनका बन जाएगा ये पोता बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा पोता बनेगा, पोता शब्द हमारा यानी सुपुत्र कहें या फिर पोता कहें, ऑप्शन सी पे मौजूद है। तो 154 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 155 नंबर, और 155 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि फोटोग्राफर ने एक व्यक्ति को अनीता ने कहा उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, अनीता का उस व्यक्ति से कैसे संबंध है। अब देखिए फोटोग्राफर में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, फोटोग्राफर है उसमें फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, फोटोग्राफ है उसमें एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, अनीता ने कहा, चलिए देखिए अब अनीता को यहाँ पे फोटोग्राफर में अनीता को क्या कहलाते हैं देखते हैं, फोटोग्राफर में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, तो सबसे पहले हम कहीं अनीता लिख लेते हैं, ये मान लीजिएगा अनीता है, अब फोटोग्राफर अभी कहाँ बनानी है क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो हमने कहा फोटोग्राफर में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, अनीता जो है फोटो को देख करके कहती क्या है, अब देख लेते हैं, कहा गया है उस फोटोग्राफर वाले उसकी माँ की पुत्री, यानी कि उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, यानी कि इस फोटोग्राफर वाले व्यक्ति की माँ, देखिए फोटोग्राफर वाला मान लीजिएगा व्यक्ति ये होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ कहा गया ना उसकी माँ की पुत्री, यानी फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की माँ, माँ की पुत्री, यानी कि इनकी जो पुत्री होगी, इनकी जो ये पुत्री है, इनकी पुत्री, इनकी पुत्री मेरी माँ है, यानी कि अनीता की कौन हो जाएगी, अनीता की माँ हो जाएगी, ठीक है, यही तो कहा इस क्वेश्चन में, अनीता ने कहा जो ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है इसकी माँ की जो पुत्री होगी वो मेरी माँ होगी, तो मेरी माँ बन गई। अनीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो हम लिखेंगे ये व्यक्ति, यानी कि ये फोटोग्राफर वाला जो व्यक्ति है, ये फोटोग्राफर वाला जो ये व्यक्ति होगा रहा अनीता से कैसे संबंधित है। तो देखिए जब ये व्यक्ति हो जाएगा, अगर देखें तो ये हमारा इसकी ये पुत्री है, यानी कि ये फोटोग्राफर वाले की भी माँ है और इसकी भी माँ है, तो ये इनका ये बेटा है और ये इनकी बेटी है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी, फोटोग्राफर वाले की बहन हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा कि अनीता का उस व्यक्ति से, तो हम कहेंगे व्यक्ति से कैसा संबंध है अनीता का, ये व्यक्ति से कैसे संबंध है अनीता का, देखिए तो ये व्यक्ति की बहन की जो बेटी होंगी वो कौन होंगी, भांजी होंगी, कौन होंगी दोस्तों, भांजी कहलाएंगी, तो भांजी शब्द यहाँ पे हमारा देख लीजिए दिया गया है बी पे, तो 155 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 155 के बाद दोस्तों 156 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि श्री और कवि दंपति हैं, देखिए श्री और कवि, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया श्री और फिर आगे लिख दिया दोस्तों कवि लिख दिया, अब इनको कहा ये दंपति है, दंपति का मतलब हो गया हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे हमने दिया दंपति, ठीक है, दंपति का मतलब आप दोस्तों क्या जानेंगे, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, सीरी और कवि दंपति हैं, सीरी और समयू बहने हैं, समयू कवि की बहन है, देखिए ये कवि की कौन हो जाएगी, कवि की बहन हो जाएगी दोस्तों, कौन,
कवि की बहन है, कवि की बहन है समयु, तो इधर हमने लिख दिया दोस्तों समयु लिख दिया, देखिए हमने लिख दिया दोस्तों समयु, ये इनका एक पेयर बन गया, तो हमने यहां से एक पेयर बना दिया हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। अब समयु जो है, समयु कवि की बहन है, कवि की बहन हो जाएगी समयु, समयु कवि की बहन है। फिर आगे कहा गया है कि सीरी, सीरी और समयु बहने हैं, कहा तो देखिए ये जब बहन हो जाएगी तो इसकी भी बहन ये हमारी कौन हो जाएगी, ये सीरी हो जाएगी, इस जगह पे हमने लिख दिया दोस्तों सीरी लिख दिया। अच्छा ये हो गया। अब आगे अगर देखेंगे कोई बहन सीरी, सीरी की क्या लगती है, ये जो सीरी है ये सीरी की क्या लगेगी, देखिए सीरी जो है मतलब सीरी, सीरी की क्या लगती है, सीरी सीरी की क्या लगती है, देखिए सीरी की क्या लगेगी ये सीरी, ये बात यहां से हमको बतानी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक प्रकार से आप कह लीजिएगा, ये जो इसने ये कहा है कि सीरी जो है, यहां से देखिए सीरी सीरी की क्या लगती है, ये यहां से हमको बात बतानी है, सीरी सीरी की क्या लगेगी। तो देखें दोस्तों तो ये इसके पति हैं, यानी सीरी के कौन है, ये पति हैं। अब पति की जो ये बहन है, दोनों ना बहन है, तो ये इसकी क्या लगेंगी, ये सीरी की क्या लगेंगी, यहां से अगर आप देखेंगे तो सीरी की क्या लगेंगे, सीरी की क्या लगती हैं ये सीरी, ये ननंद लगेंगी, ननंद मतलब बोले दोस्तों कौन, पति की बहनें हमारी क्या होती हैं, ननंद होती हैं। तो ननंद शब्द यहाँ पे देख लीजिए डी पे मौजूद है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 156 का दोस्तों हमारा डी हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 156 के बाद दोस्तों 157 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इसने कहा है कि नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है, नीना का उस लड़के से क्या संबंध है, ये बात हमको बताना है। तो यहां पे देखिए नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहती हैं, नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कहीं नीना बना लेंगे, नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, वे कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी का बेटा है। अच्छा यानी नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि वह मेरी नानी, अर्थात नीना की माँ, नीना की माँ की ऊपर कौन हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, तभी तो ये नीना की कौन बन जाएंगी, ये नीना की नानी बन जाएंगी, ठीक है, ये नीना की नानी हो गई, वह मेरी नानी की, अब नीना की नानी की इकलौती बेटी का बेटा है, इकलौती बेटी का बेटा है, तो इसका मतलब इसकी इकलौती बेटी तो यही हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इकलौती बेटी हो जाएंगी, इकलौती बेटी हो जाएंगी, इकलौती बेटी का बेटा है, यानी कि मेरे ही माँ का ये बेटा है, कौन तस्वीर वाला, इकलौती बेटी का बेटा है, यानी कि जब ये मेरी माँ हो गई तो ये इन्हीं का बेटा है, तो यानी कि ये मेरा कौन हो जाएगा, ये मेरा भाई हो जाएगा, नीना का कौन हो जाएगा, ये भाई बन जाएगा। अब दोस्तों ये नीना का भाई हो गया, यही तस्वीर वाला व्यक्ति है, यही क्या है दोस्तों, तस्वीर वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है, ये यानी कहा गया है कि उस लड़के के साथ क्या संबंध है नीना का, इस लड़के का के साथ नीना का क्या संबंध है दोस्तों, तो किसका संबंध हो जाएगा, बहन का संबंध हो जाएगा, बहन शब्द हमारा सी पे मौजूद है, तो 157 का दोस्तों हम लोग सी को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों 158 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि अमित और ऋतु पति पत्नी हैं, देखिए अमित और ऋतु पति पत्नी हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कहीं बना लेते हैं अमित और फिर लिख देते हैं दोस्तों ऋतु, यानी कि अमित और ये हो गए दोस्तों ऋतु, अमित और ऋतु क्या हो जाएंगे, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा ये आपस में कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगी पत्नी हो जाएंगी, और ये पत्नी पत्नी और पति बन जाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे पत्नी और यहाँ पे पति लिख दिया, पति और पत्नी, ठीक है, यहाँ पे ये आपस में क्या बन गए, एक प्रकार से एक ये हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया, पति पत्नी हो गई, ठीक है, अमित और ऋतु पति पत्नी है। फिर इसने कहा मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, मृणाल और सोनल क्या हो जाएंगे, भाई भाई हैं। फिर आगे कहा ऋतु का भाई, मृणाल जो है ऋतु का भाई है, देखिए ऋतु का यहाँ पे कौन हो जाएगा, भाई मृणाल हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे मृणाल रख दिया, ऋतु का भाई बना दिया, मृणाल जो हो जाएगा, ये जो मृणाल है वो ऋतु का भाई है, ऋतु का भाई कर दिया, और ऋतु का ही मतलब मृणाल का ही भाई एक और कौन है, यहाँ पे सोनल है, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सोनल लिख दिया, तो
ये भी कौन हो जाएगा, ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, मृणाल और सोनल भाई भाई है। ठीक है, मृणाल जो है रितु का भाई है, मृणाल रितु का भाई है, मृणाल जो होगा रितु का भाई है। रितु का भाई दोस्तों कौन हो जाएगा, दोस्तों मृणाल, तो रितु का भाई मृणाल हो गया। ठीक है, सोनल और अमित का क्या संबंध है, कह रहा सोनल और अमित, देखिए अमित ये है तो हम कहेंगे अमित का क्या रिश्ता है सोनल से, अमित का देखिए ये यहां से देखेंगे तो अमित का क्या रिश्ता है सोनल से, तो देखिए ये कौन हो जाएगा, एक प्रकार से देख लिए अमित की पत्नी रितु है, रितु के ये दोनों भाई हैं, रितु के ये दोनों भाई हैं, तो पत्नी के जो भाई होते हैं वो क्या होंगे, पत्नी के भाई हमारे कौन बनेंगे, साला बनेगा दोस्तों। साला शब्द यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे दिया है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साला शब्द दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 158 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 158 के बाद दोस्तों हम लोग 159 नंबर, और 159 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है कि रियान विहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, रियान किस रूप में विहान से संबंध रखता है, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में ये कहा है कि रियान जो होगा विहान की माँ की बहन के पिता, रियान विहान की माँ, तो देखिए जो विहान होगा मान लीजिएगा विहान विहान की माँ के बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, कौन, रियान। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कौन है, विहान, तो हमने लिख दिया दोस्तों विहान लिख दिया, इसने कहा विहान की माँ की बहन, देखिए विहान की माँ तो हमने विहान की माँ बना दिया, माँ की बहन तो यहाँ पे हमने मान लीजिएगा ये बना दिया माँ की बहन बना दिया, विहान की माँ की बहन। अब देखिए विहान की माँ की बहन के पिता, विहान की माँ के बहन, तो यहाँ पे बहन के पिता, इनके पिता यहाँ पे देख लीजिएगा, इनके पिता, पिता के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे बोले तो इकलौते बेटे मान लीजिएगा यहाँ पे ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इकलौते, आगे लिख देंगे दोस्तों बेटा, इकलौता बेटा, अर्थात ये इनका क्या बन गया दोस्तों, आपके पुत्र बन गया, इकलौते बेटे का बेटा है, ये इनका बेटा है, कौन दोस्तों, रियान, ये बात यहाँ पे ऐसे बताई गई है। ठीक है ना, रियान, अब कहा गया रियान, रियान जो है किस रूप में विहान से संबंधित है, विहान से संबंध रखता है रियान, विहान से संबंध रखता है दोस्तों, ये विहान से संबंध रखता है दोस्तों रियान, ये बात बताना है। देखिए जब विहान की माँ की ये बहन हो गई और बहन के ही ये कौन है दोस्तों, ये है भाई, ये कौन हो जाएंगे भाई, अर्थात विहान की ये कौन बन जाएंगे, माँ के बहन का जो भाई होगा वो हमारा मामा बनेगा, मामा का जो बेटा हो जाएगा तो वो ममेरा भाई बनेगा दोस्तों, कौन बनेगा, ममेरा भाई, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों ममेरा, आगे लिख दीजिएगा भाई, तो ममेरा भाई यहाँ पे देखिए ये कौन बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मामा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मामा। अब मामा का जो दोस्तों ये पुत्र है, ये जो मामा का पुत्र है यानी कि ये भी इनका, ये इनका बहन का पुत्र हो गया, तो मामा का जो पुत्र होता है वो क्या होगा, ममेरा भाई, तो ममेरा भाई यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा ऑप्शन डी पे मौजूद है, तो 159 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 159 के बाद दोस्तों 160 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि बी की माँ आर आर की केवल एक पुत्री है, ए आर का इकलौता पुत्र है, बी का ए से क्या संबंध है, ये दोस्तों हमारा एनटीपीसी के स्टेज टू में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसने यहाँ पे ये कहा है कि बी की माँ आर, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है। अब बी की माँ, तो सबसे पहले हम अगर ऐसा मान लें, यहाँ पे मान लेते हैं बी और बी की माँ, बी की माँ आर, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बी की माँ आर, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, आर की केवल एक पुत्री है, तो आर की केवल एक पुत्री है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें केवल एक पुत्री है कहा है, ठीक है, ए जो है आर का इकलौता पुत्र है, ए जो होगा वो आर का इकलौता पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये लिख देते हैं इकलौता, यहाँ पे आगे लिख दीजिए पुत्र, ये हो गया, और कहा केवल एक पुत्री है, एक पुत्री केवल यही स्वयं हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा पुत्र, ये हो जाएगा पुत्री, और यानी कि ये, हाँ ये माँ हो जाएगी, बी जो है बी की माँ आर,
आर ये माँ है, ठीक है, ये माइनस कर दिया, यहाँ पे एक पुत्री यहाँ पे लिख देते हैं, एक पुत्री हो गई। अब आगे कहा है बी का ए से क्या संबंध है, ये जो बी है तेरा ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है बी का, देखिए ए से क्या संबंध है बी का, तो ये कौन हो जाएगा, इसकी बहन हो जाएगी ना दोस्तों, क्या क्या होगी बहन, तो बहन शब्द हमारा देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो डी यानी कि 160 का हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 160 के बाद दोस्तों 161 नंबर क्वेश्चन, और 161 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है सी जो होगा कह रहा के की माँ है, सी जो है के की माँ है, तो सबसे पहले अगर हम देखें सी कहा है के की माँ है, के जो है एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है, सी का पी से क्या संबंध है, देखिए के की सी जो होगा वो के की माँ है, सी जो है वो के की माँ है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम के बना लेते हैं और के की माँ को हम यहाँ पे कह देते हैं सी, ये कौन है दोस्तों, यहाँ पे ये माँ हो जाएंगी, के की माँ है सी, ठीक है। के जो है एच की पत्नी है, अब देखिए जो ये के होगा वो एच की पत्नी है, एच की पत्नी है, के जो होगा एच की पत्नी है, तो यहाँ पे कहीं हम क्या कर देते हैं एच बना देते हैं, एच की पत्नी यहाँ पे मान लीजिएगा एच कहीं ये होगा एच की पत्नी है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इसकी के जो होगा वो एच की पत्नी है, ये के एच की पत्नी है, अच्छा एच की पत्नी है, तो इसका मतलब दोस्तों एच की पत्नी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए के जो होगा कहा है एच की पत्नी, तो यहां से हमने पत्नी रख दिया, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है एच की पत्नी हो गई। अब कह रहा जो आर होगा वो के का भाई है, अब देखिए यहां से के का भाई हम बना देते हैं आर, ये प्लस कर दिया और ये दोस्तों कौन है के का भाई है हमारा आर हो जाएगा, ठीक है आर जो है के का भाई है। अब कहा गया पी जो होगा आर का पिता है, आर का पिता है दोस्तों यहाँ पे कौन आर का पिता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और इसको साफ से लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा कौन था के था और यहाँ पे के का ये कौन हो जाएगा भाई हो जाएगा, तो अच्छा फिर इसने कहा है कि पी जो होगा वो आर का पिता, आर का पिता, तो आर का पिता यहाँ पे मान लेते हैं पी, ये पिता है और यहाँ पे किसका आर का, देखिए आर का हमने पिता कर दिया, आर का पिता कर दिया, तो क्वेश्चन में कहा है पी से क्या संबंध है सी का, पी से क्या संबंध है सी का। अब देखिए जब ये के का भाई है, ये के की माँ है, ये के का भाई है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, इसका मतलब इसकी भी तो ये माँ हो जाएंगी और ये इसके पिता है, तो यहाँ पे हम कह देंगे पी से क्या संबंध है, ये देखिए पी से क्या संबंध है ये सी का, तो ये किसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पत्नी का संबंध हो जाएगा, पत्नी शब्द हमारा बी पे मौजूद है, तो 161 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 161 के बाद दोस्तों 162 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि ए जो होगा बी और सी की बहन है, अब देखिए बी और सी की कौन है दोस्तों, ए जो होगा वो बी और सी की बहन है, तो यहाँ पे कहीं आप मान लीजिएगा बी, यहाँ पे मान लीजिएगा कहीं सी, तो बी और सी का, बी और सी की बहन कौन है दोस्तों ए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों बहन, बी और सी की दोस्तों कौन है ये, बी और सी की ये बहन है, ठीक है बी और सी की बहन बना दिया। फिर कह रहा है डी जो होगा वो सी का पिता है, डी जो होगा सी का पिता है, यहाँ पे डी मान लेते हैं डी, डी जो होगा वो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो सी का पिता है, देखिए मैं सी का पिता बना दिया डी को, डी जो है सी का पिता है, सी का पिता हो गया। फिर ई जो है ए की माँ है, ई जो होगा वो ए की माँ है, अब ए की माँ जो होगी वो दोस्तों ई बनेगी, देखिए ए की माँ को हमने क्या बना दिया यहाँ पे ई बना दिया और ये हमारा ई की यहाँ पे कहा गया एक ई जो है वो ए की माँ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे माँ कह देंगे ई की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे माँ, तो यहाँ पे हमने माइनस इसको बना दिया, ई जो है वो ए की माँ है, ठीक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता, ये बात बतानी है। कहा है कि ए का पिता है डी, देखिए ए का पिता है डी, हाँ दोस्तों बिल्कुल, ये जब सी का पिता है ये इसके बहन है, तो इसका ये पिता हो जाएगा, देखिए ए का पिता हो जाएगा डी,
तो ये बात तो हम सत्यापित कर सकते हैं, सही है, पहला कथन हमारा सही है। फिर कहा है बी की माँ है ई, देखिए बी की माँ हो जाएगी, जब ए की माँ है तो ये बी की भी माँ हो जाएगी ई, तो ये भी बात बिल्कुल दोस्तों सही कह रहा है, हमने सही कर दिया। बी जो है वो ई की माँ है, बी बी जो हमारा है, ये जो बी है ये मतलब ई जो है हमारा ई बी की माँ है, ये जो ई है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ई ई जो है बी की माँ है, बी की माँ हो गया, ठीक है। अब आगे कहा ई का पति है डी, देखिए ई का पति है डी दोस्तों, हाँ ये भी बात सत्य है, ई का पति है दोस्तों डी, तो ये दोस्तों यहाँ से पति भी बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए ई का पुत्र है बी, अब देखिए ई का पुत्र है बी दोस्तों, अब देखिए ई का जो ये बी है ये पुत्र है, ये बात बिल्कुल सही है पुत्र है, लेकिन यही गलत हो जाएगा। गलत क्यों, किस बात के लिए हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, देखिए बी और सी को यहाँ पे इनका जेंडर नहीं क्लियर किया गया कि बी और सी ये कौन है, मेल है कि फीमेल है, तो इसने तो कह दिया, सीधा सीधा बता दिया कि ई का पुत्र बी है, तो पुत्र इसने कह दिया है, जब यहाँ पे हमको जेंडर ही नहीं क्लियर है तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये पुत्र है कि पुत्री है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही कथन को सत्यापित नहीं करेगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 162 के बाद दोस्तों 163 नंबर, और 163 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है कि पी जो होगा क्यू और आर का भाई है, क्यू और आर का हमारा भाई है, तो देख लेते हैं यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कहीं क्यू और यहाँ पे कहीं मान लेते हैं आर, तो क्यू और आर का भाई कौन है दोस्तों, पी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इन दोनों का ये भाई हो जाएगा, इन दोनों का ये भाई हो जाएगा दोस्तों, Q और R का भाई हो जाएगा P, तो हमने भाई मान लिया दोस्तों P को। फिर कहा जो S होगा वो R की माँ है, देखिए R की माँ कौन हो जाएगी इस जगह पे, S यहाँ पे हमने ये रख दिया, अब ये कौन हो जाएगी दोस्तों, माँ हो जाएगी, R की माँ हो जाएगी S, R की माँ है S। फिर कहा T जो होगा वो P का पिता है, T जो होगा वो P का पिता है, T जो होगा T, यहाँ पे जो T होगा वो पिता है किसका, P का, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने पिता रख दिया दोस्तों, ये बात हो गई, T जो है वो P का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, ये बात बतानी है, जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन हल किए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा इसका पति है T, देखिए इसका पति है T, देखिए ये माँ है, ये दोनों भाई है, तो ये पिता, तो ये दोस्तों सही कह रहा है, ये सही इस बात के लिए कह रहा इसका पति है, देखिए इसका पति है, इसका पति है, ये देखिए इसका पति है दोस्तों टी, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात यहां तो सत्य हो गई। फिर कह रहा क्यू का पिता है टी, देखिए क्यू का पिता है टी, देखिए क्यू का पिता है टी, अच्छा ये क्यू का पिता भी हो जाएगा, मान लेते हैं अभी थोड़ा देर और देख लेते हैं, ये देखिए क्यू का पिता हो जाएगा टी दोस्तों, ये भी बात सत्य है। फिर आगे देखिए पी की माँ है एस, अब पी की माँ है, देखिए पी ये है, पी की माँ है एस, ये भी बात सही है दोस्तों, पी की जब आर की माँ हो जाएगी तो पी की भी तो माँ हो जाएगी एस, ये भी माँ हो जाएगी, यानी कि देखें तो ये भी बात सही कह रहा है। फिर कह रहा क्यू का पति है टी, क्यू का पति है टी, देखिए क्यू का पति है टी, देखिए पति शब्द गलत कह दिया ना, ये तो क्यू का पिता है टी, इसने तो कह दिया क्यू का पति है टी, तो ये गलत कह दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सत्यापित नहीं करेगा, यानी कि सत्य नहीं है, यही हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर देखें तो 163 का डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 163 के बाद दोस्तों 164 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है डी का भाई ए है, डी का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों, डी का भाई हमारा ए बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने भाई रख दिया दोस्तों, इस जगह पे ए को रख दिए, यहाँ पे भाई आपको यहाँ पे लिखना चाहिए और ए शब्द हमको यहाँ पे लिखना चाहिए, तो इसको हटाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई हमारा कौन है ए, तो यहाँ पे हमने प्लस भी रख दिया, ठीक है, डी का भाई ए है। फिर डी जो है सी का पुत्र है, डी जो होगा वो सी का पुत्र है, सी का पुत्र है डी, तो सी का पुत्र हो जाएगा दोस्तों डी, तो देखिये सी का पुत्र है डी, तो यहाँ पे देखिए सी का पुत्र है डी, देखिये सी यहाँ पे कहीं होगा, इसका पुत्र हो जाएगा डी, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी का पुत्र हो जाएगा, सी का पुत्र है डी, ठीक है। अब आगे कहा है बी जो होगा वो सी का पिता है, सी का पिता है, सी का पिता है दोस्तों कौन, बी, तो यानी बी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा सी का पिता हो जाएगा बी, तो यहाँ पे हमने बी मान लिया, पिता है तो इसलिए प्लस कर दिया, यहाँ पे हमने पिता शब्द लिख दिया, देखिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कह रहा है ए का बी से क्या संबंध, बी से क्या संबंध है ए का, बी बी से क्या संबंध है, बी से क्या संबंध है ए का, ये बात यहां से हमको बतानी है। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई, और इनके पिता हो जाएंगे ये सी, और सी के ये पिता हो जाएंगे ये, तो कहीं देखा जाए
तो बी का संबंध ए से किससे हो जाएगा, पोता से संबंध हो जाएगा, यानी कि पोता या फिर दोस्तों नाती कह देंगे, नाती यानी कि एक प्रकार से दादा होंगे जाकर के, तो हम उनके कौन बन जाएंगे, पोता या नाती कहेंगे, यानी कि सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 164 का दोस्तों हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 165 नंबर क्वेश्चन, 165 नंबर में देख लीजिए कि इस पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ए जो है बी के दादा हैं, ए जो है बी के दादा हैं। अब यहां से देख लीजिएगा हमारा ये कहा गया है ए जो है बी के दादा हैं, डी जो है ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है। तो यहां से अगर आप देखेंगे ए जो है बी के दादा हैं, तो देखिए ए जो होगा बी के दादा हैं, तो बी के दादा कहा है, तो बी के पिता के पिता, यहाँ पे पिता के पिता, तभी तो ये बी के दादा बन जाएंगे, तभी तो ये बी के कौन बन जाएंगे, ये बी के दादा बन जाएंगे, ठीक है। ए जो है बी के दादा है, ठीक है। आगे कहा है डी जो होगा ए का भाई है, डी जो होगा यहाँ पे बी जो है ए के दादा है, ए मतलब बी के दादा ए हैं, तो ये ए हो गया। अब आगे कहा है डी जो होगा वो ए का भाई है, ए का भाई कौन है दोस्तों यहाँ पे डी, तो यहाँ पे देखिए ए का भाई यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हो जाएगा, और यहाँ पे ए का भाई हो गया हमारा दोस्तों कौन, डी हो गया। फिर कहा है और ई जो होगा डी का पुत्र है, देखिए डी का यहाँ पे कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा ई, ये देखिए हमारा यहाँ पे कौन हो गया, ये हो गया पुत्र हो गया, डी का पुत्र ई हो गया। तो कहा गया है ई जो है बी से किस तरह संबंधित, बी से किस तरह संबंधित है ई, देखिए बी से किस तरह संबंधित है ई, ये देखना है। तो अगर देखेंगे ये इनके पिता हो गए, पिता ये इनके पिता हो गए, पिता के ये भाई हैं, अर्थात ये इनके कौन हो गए, चाचा हो गए, ये इनके कौन हो गए दोस्तों, ये इनके चाचा बन गए। और चाचा का जो पुत्र होगा, देखिए इनके जो चाचा का पुत्र होगा एक प्रकार से ये भी तो इनका भाई ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनका भाई ही तो कहलाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे पूछा ये गया था, कहा गया कि ई का जो होगा बी से क्या संबंध है, ये जो ई है कह रहा बी से किस प्रकार संबंधित है, इसका बताना है हमको बी से किस प्रकार संबंधित है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। देखिए जब इस बात को यहाँ पे आप बताएंगे, तो देखिए जब ये ई के पिता हैं, ई के कौन हो जाएंगे पिता, अब पिता का जो एक प्रकार से चचेरा भाई है, जब चचेरा भाई है तो यानी कि पिता के भाई हैं, तो पिता के जब भाई हो जाएंगे तो बी का ये कौन हो जाएगा, बी का चाचा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चाचा, चाचा शब्द हमारा दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो 165 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 165 के बाद दोस्तों 166 नंबर, और 166 नंबर दोस्तों हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 166 यानी कि 166 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, तो एफ का ई से क्या संबंध है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको कैसे हमको हल करना है। देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, देख इसने ई ने एफ से कहा, ई जो है एफ से कहता है, देखिए ये जो ई है ये किससे कह रहा है, एफ से कह रहा है, एफ से कह रहा है, कह रहा ई एफ से कह रहा है, एफ से कह रहा ई, तो ई है एफ से कह रहा, कह रहा तुम मेरे पिता, तुम मेरे पुत्र की पत्नी, तुम मेरे पुत्र की पत्नी, यानी कि तुम मेरे पुत्र, यानी कि ई का जो पुत्र, तुम मेरे पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी यहाँ पे मान लीजिएगा ये पुत्र की पत्नी के ससुर हो, यानी तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, यहाँ पे ये तो बन गए हस्बैंड वाइफ बन गए, पत्नी के कह रहा ससुर हो, यानी कि ससुर हो, तो यहाँ पे ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, ससुर हो जाएंगे। अब ससुर कब होंगे, जब ये इनकी एक प्रकार से कह लीजिएगा तो ये कौन होंगी, ये इनकी माँ होंगी, ये इनकी माँ हो जाएंगी, और ये इनके पति हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों, पति हो जाएंगे, ये इन्हीं के ये पति हो जाएंगे, ये बन जाएंगे दोस्तों पति, यानी कि ये कह लीजिएगा कि ये दोनों क्या बन जाएंगे, हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। तो जब ये इनके पुत्र हैं, तो यानी इनकी ये माँ हो गई, अब माँ के जो ये पति हो जाएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे, जो ये पिता हो जाएंगे तभी जाके मेरे पिता मेरी पत्नी के कौन होंगे, ससुर होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एफ का ई से क्या संबंध है, एफ का, तो हम कहेंगे ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध है एफ का, तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, पति हो जाएंगे। पति शब्द यहाँ पे देख लीजिएगा, जो यहाँ पे कह देंगे ई के पति हैं, ई के पति एफ हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, एफ ई का पिता है, तो एफ जो है कहा गया है ई का पिता है, तो ये गलत कह दिया गया है, एफ जो है
यहाँ पे कहा गया एफ जो है ई का पति है, ये बिल्कुल दोस्तों सही कहा गया है। तो 166 का अगर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 166 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट बन जाएगा, 166 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 167 नंबर, और यहां से देख लीजिए इस पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि यदि एक्स जो है वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, ए जो है जेड का पिता है और बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध है, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो जैसा जैसा कह रहा है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते चल रहे हैं। यहां से ये कहा गया है कि जो ए है तो ए नहीं एक्स है, कहा गया है एक्स जो है वो वाई की बहन है। देखिए वाई की बहन हम बना लेंगे, देखिए वाई की बहन कौन हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, यहाँ पे हमने बहन शब्द लिख दिया बहन, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस, एक्स जो होगा वाई की बहन है, हमने बहन बना दिया। फिर कहा गया जेड जो होगा वाई की माँ है, देखिए वाई की माँ यानी कि माँ कौन हो जाएगा वाई की, जेड बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। और ये कौन है दोस्तों, यहाँ पे माँ है, ये देख लीजिएगा हमने वाई की माँ बना दिया जेड को, वाई की माँ है जेड, ठीक है। अब कहा गया जो ए होगा वो जेड का पिता होगा, जेड का पिता, देखिए जेड के पिता यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, पिता है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, पिता है। और अब कहा है कि बी जो होगी वो ए की माँ है, बी जो होगी वो ए की माँ है, ए की माँ, अब देखिए ए की माँ कौन है यहाँ पे, बी, तो यानी और ऊपर चले जाइए, यहाँ पे ए की माँ कौन हो जाएगी दोस्तों, इस जगह पे बी हो जाएगी, माँ है इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस बना दिया, ये हमारी माँ हो गई, ए की माँ यहाँ पे बी हो गई। तो कह रहा है एक्स का ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है एक्स का, तो देखिए ए हमारा ये है, तो कह रहा ए से क्या संबंध है एक्स का, देखिए ये एक्स हमारा यहाँ पे ये है, देखिए क्या संबंध हो जाएगा, यानी कि ए की जब ये कौन हो जाएंगे, देखिए ये जेड जेड हमारे क्या जेड के पिता हैं ये, तो ये जेड की ये जेड की अगर देखा जाए तो ये कौन बन जाएंगे दोस्तों, ये पुत्री बन जाएंगी, ये ए की कौन बन जाएंगी, पुत्री, और पुत्री के ही ये दोनों क्या है दोस्तों, ये पुत्री का ये कौन बेटा है और ये बेटी है, ये पुत्री का कौन हो जाएगी, ये दोस्तों बेटी दी गई है, तो यानी कि एक प्रकार से ये कौन हो जाएंगे इनकी, ये हो जाएंगे देखिए बेटी के, यानी कि ए के बेटी के बेटी है, बेटी की बेटी, ऑप्शन हमारा डी पे मौजूद है, तो यहाँ पे हम कह देंगे बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 167 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 167 के बाद दोस्तों 168 नंबर क्वेश्चन, और 168 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है कि पहला पॉइंट दिया गया है, फिर एक दो तीन करके पॉइंट दिए गए हैं, वैसे हम वही काम करेंगे जैसा अभी हमको करते चले आ रहे हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है कि एक्स जो है करा वाई और जेड का पिता है, जो वाई और जेड का पिता, देखिए वाई और जेड बना दिया, और इनके पिता कौन हो जाएंगे, ये एक्स हो जाएंगे, देखिए ये कौन हो जाएंगे पिता, और ये भी कौन हो जाएंगे दोस्तों पिता, यानी कि इसके भी पिता हो जाएंगे और इसके भी पिता हो जाएंगे, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो एक्स होगा कह रहा वाई और जेड के पिता है, हमने वाई और जेड के पिता बना दिया। फिर कहा गया है कि पी जो होगी वो क्यू की माँ है, पी जहां कहीं भी होगी वो क्यू की माँ है, अभी हमको यहाँ पे कहाँ बनाना अभी क्लियर नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पे कहा गया पी जो है क्यू की माँ है, फिर कहा जो है कि जो क्यू होगी वो वाई की बहन है, देखिए जो क्यू होगी वो वाई की बहन है, इसका मतलब ये वाई की बहन इधर कौन आ जाएगा, इधर क्यू आ जाएगा, और ये कौन हो जाएगा y की बहन हो जाएगा, यानी कि q जो होगी ये जो q है y की बहन है, y की बहन है, और q की माँ है कौन, q की माँ है यहाँ पे p, तो p q की माँ हो जाएगी इस जगह पे p, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माँ शब्द लिख देंगे, यहाँ पे q की माँ है, q की माँ है कौन दोस्तों p, तो यहाँ पे हमने रख दिया माँ शब्द रख दिया दोस्तों, ये बात हो गई q की, अब यहाँ पे q की माँ है p। अब क्वेश्चन पूछा है कि x और p के बीच क्या संबंध है, x और p के बीच, देखिए जब ये q की बहन है, ये y की बहन q है, तो इसके पिता ये हैं और इसकी माँ ये है, तो यानी कि इनके बीच में क्या संबंध हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, पति और यहाँ पे पत्नी इनका संबंध हो जाएगा, तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में, पति पत्नी हमारा यहाँ पे संबंध बन जाएगा। x और p, देखिए x और p पिता पुत्री, तो ये गलत है, x और p पति पत्नी, यही हमारा b ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 168 का अगर दोस्तों देखेंगे तो b इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देख लीजिएगा दोस्तों 168 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 169 नंबर और 169 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि पी जो है एक्स से विवाहित है, जो एम की पुत्री है, टी ओ की दादी है, जो पी का पुत्र है, एस एम का पति है और डब्लू पी का पिता है, ओ का डब्लू से क्या रिश्ता है, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 169 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले इसने कहा है पी जो होगा वो एक्स से विवाहित है। पी जो है वो किससे विवाहित है, कहा गया है कि एक्स से विवाहित है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पी को हम पहले क्या कर देंगे, एक्स से विवाहित कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिएगा पी होगा और ये हमारा मान लीजिएगा एक्स होगा, ये एक दूसरे से विवाहित है, जो कह रहा पी जो है एक्स से विवाहित है, एक्स से विवाहित है, तो यानी इसका मतलब ये मान लीजिएगा ऐसे एक्स से विवाहित है। अच्छा, ये आपस में भी क्या बन जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। देखिए हमने पति रख दिया और नीचे हमने लिख दिया पत्नी, तो आप समझ जाएंगे दोस्तों ये क्या है, आपस में पति पत्नी है। आगे देख लीजिएगा, फिर आगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है जो एम की पुत्री है। अब पी जो है कहा है पी जो है एक्स से विवाहित है, एक्स से विवाहित है, जो एम की पुत्री है, एम की पुत्री है, यानी कि जो एक्स है, ये जो एक्स है ये किसकी पुत्री है दोस्तों, एम की पुत्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों एम, एम की पुत्री है। तो यहाँ पे अभी हमको एम को क्लियर नहीं है कि एम हमारा माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा, लेकिन एम की पुत्री है कौन दोस्तों, ये एक्स पुत्री है। तो इस जगह पे हमको क्लियर हो गया कि एक्स जो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा और पी हमारा ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि अब बात पता चल गई, जेंडर इनका पता चल गया। आगे देख लेंगे एम की पुत्री है, फिर कहा गया जो टी है वो ओ की दादी है। अब देखिए जहां कहीं भी टी बनाएंगे वो ओ की दादी हो जाएगी। अच्छा, अभी हमको क्लियर नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जो पी का पुत्र है, अब देखिए जो कह रहा है जो टी होगा ओ की दादी है, जो पी का पुत्र है, पी का पुत्र कौन हो जाएगा, पी का पुत्र यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों, पी का पुत्र हमारा हो जाएगा दोस्तों कौन, टी हो जाएगा, टी ओ की दादी है जो पी का पुत्र है, यानी कि पी की यहाँ पे कौन हो जाएगी, पी की यहाँ पे पी का पुत्र हो जाएगा कौन दोस्तों, यहाँ पे टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पुत्र है, तो इसलिए प्लस बना दिया और यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों पुत्र लिख दिया। फिर आगे कहा है पी का पुत्र है, एस जो होगा वो एम का पति है, एस जो होगा वो एम का पति है, देखिए एम का पति हो जाएगा यहाँ पे एस, यहाँ पे ये ले दिया हमने प्लस कर दिया, अब ये पता हो गया ये माइनस होगा, ये है पति और ये पत्नी हो जाएंगी दोस्तों, ये पत्नी हो जाएंगी, देखिए ये पति पत्नी आपस में बन गए, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा एस जो है एम का पति है, और आगे कहा और डब्लू जो होगा वो पी का पिता है, डब्लू जो जहां कहीं भी होगा वो पी का, डब्लू जहां कहीं भी होगा डब्लू पी का पिता है, देखिए डब्लू जो होगा वो पी का पिता है, डब्लू हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं, ये डब्लू मान लेते हैं और पी का क्या मान लेते हैं, पिता मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया पी का पिता हो गया, तो डब्लू, डब्लू जो हमारा पी का पिता है, तो यह पिता है तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अच्छा, ये बात हो गई। अब कहा गया है कि ओ का डब्लू से क्या संबंध है, अब देखिए ओ का डब्लू से क्या संबंध है, अब ओ हमको कहाँ बनाना है, यही बात अभी हमको क्लियर करना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हम हमको यहाँ पे क्या करना है, टी ओ की दादी है, इस जगह पे हमको ओ को कहीं बिठाना है, ओ की दादी कौन बताया है, टी है, तो टी तो यहाँ पे कहीं है, अब ओ की दादी बनाएंगे टी को तो बहुत ही नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस जगह पे मेरे ख्याल से इस जगह पे एम होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, इस जगह पे एम आप कह लीजिएगा, ये एम क्वेश्चन में होना चाहिए, तब जाके हमारा सही सटीक आंसर बन जाएगा। देखिए अब हम कह देंगे ओ की दादी कौन है, एम, देखिए ओ की दादी एम है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे ओ है, अब ओ की दादी ये बन जाएगा हमारा एम, यहाँ से ऐसे एम हमारा बन जाएगा कौन दोस्तों, ये दादी बन जाएगा, देखिए दादी हो भी जाएगा इस प्रकार से, अब यही हमारा बनना ही चाहिए दोस्तों। तो यानी कि ये जो टी लिखा है, टी ना लिख करके दोस्तों जगह पे क्या लिखा होना चाहिए, एम, एम जो है ओ की दादी है, तो एम जो होगा वो ओ की दादी हो जाएगा, अब सब कुछ सही है। अब यहां देख लीजिएगा पिता, हाँ कहा गया ओ का डब्लू से क्या रिश्ता है, इस डब्लू से क्या संबंध है, ये डब्लू से क्या संबंध है किसका, इस ओ का, डब्लू से क्या संबंध हो जाएगा इस ओ का, तो देखिए ये कौन हो जाएंगे, ये ओ के, ये जब ये ओ की माँ है तो ये ओ के पिता है दोस्तों, ये ओ के कौन हो जाएंगे, पिता, अब पिता के पिता दोस्तों ये कौन हो जाएंगे, एक प्रकार से कह लीजिएगा ये हो जाएंगे इनके दादा हो जाएंगे, तो जब दादा हो जाएंगे एक प्रकार से कह लीजिएगा ये इनसे दादा से इनके इनका पुत्र संबंध पूछा गया है, तो दादा के ये पुत्र हो जाएंगे पी, और पी का पुत्र है ये,
तो यानी कि पुत्र का पुत्र, देखिए पुत्र का पुत्र हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 169 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 169 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट बनेगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग 170, और 170 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है ये। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 170 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डब्ल्यू और एक्स भाई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, डब्ल्यू और एक्स को आपस में कह लेते हैं भाई भाई हैं। देखिए यहाँ पे W हो गया और ये हो गया हमारा X, और ये क्या है दोस्तों आपस में भाई हैं, तो हमने यहाँ पे शब्द लिख दिया भाई शब्द लिख दिया, W और X भाई हैं। फिर कहा गया S जो है X और Q का पुत्र है, देखिए S जो होगा वो X और Q का पुत्र है। देखिए ये S जो S होगा, देखिए बात समझने इस जगह से, S जो होगा वो X का और Q का पुत्र है। देखिए X तो हमारा ये है और Q हमारा इस जगह पे ये हो जाएगा, इन दोनों का पुत्र कौन हो जाएगा, इन दोनों का पुत्र है कौन दोस्तों, एस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एस, ये इसका भी पुत्र माना जाएगा और इसका भी हमारा पुत्र माना जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहां से पुत्र है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे, पति और यहाँ पे पत्नी बन जाएंगी दोस्तों, ये हो गया पति पत्नी बन गई। अब आगे और देख लीजिएगा आगे क्या दिया गया है, फिर आगे कहा गया है एस क्यू का पुत्र, ठीक है। आर जो होगा यू से विवाहित है, अब देखिए आर जहां कहीं भी होगा वो यू से विवाहित है और क्यू का भाई है। अच्छा आर जो बता दिया गया, जो ये आर होगा वो क्यू का भाई है, तो देखिए आर हमने ये बना दिया और इसका ये हो गया भाई, और जो ये आर है वो यू से विवाहित है दोस्तों, देख लीजिएगा यू से विवाहित है। तो यानी कि जब यू से विवाहित हो जाएगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे, ये फिर पति पत्नी बन जाएंगे, ये पति हो जाएंगे और ये हमारी पत्नी हो जाएंगी इनकी। और फिर आगे दोस्तों यहाँ पे कहा है कि टी और वी जो हैं यू की संतान है, अब देखिए यू की जो संतान हो जाएंगे दोस्तों वो कौन सी हो जाएंगी, टी और वी हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे इनकी संतान रख लिया, यहाँ पे कौन कौन से, टी और वी, देखिए ये हो गया टी और ये हो गया वी, इनकी कौन है दोस्तों, ये संतान है, यानी किसकी, यू की संतान है, यानी कि आर की भी तो संतान हो जाएंगी, ये आर की भी तो संतान बनेंगी आकर के, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, फिर आगे यहां पे दिया गया है कि पी जो है वो क्यू की माँ है, पी जो होगा, देखिए पी जहां कहीं भी होगा वो क्यू की माँ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पी की माँ क्यू की माँ बना देते हैं, ये माँ हो गई तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। फिर आगे कहा है और जो, और वाई जो होगा एक्स की माँ है, वाई जो होगा वो एक्स की माँ है, देखिए एक्स की माँ है तो एक्स की माँ, यहाँ पे हमने ये वाई को कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब ये एक्स की माँ हो जाएंगी, कौन, वाई हो जाएंगी। तो कहा गया है क्वेश्चन में टी का एस से क्या संबंध है, हम कहेंगे एस से क्या संबंध है टी का, एस से क्या संबंध है टी का, एस हमारा ये है और टी हमारा ये है, एस से क्या संबंध है टी का, ये बात यहां से बतानी है। अब आप बात ध्यान से समझिएगा, डब्लू के भाई हमारे एक्स हैं और एक्स की पत्नी कौन है दोस्तों, एक्स की पत्नी यहाँ पे क्यू है, तो देखिए जब एक्स की माँ ये है तो डब्लू की भी माँ यही हो जाएंगी, और जब ये इनकी पत्नी यानी एक्स की जब माँ ये है तो डब्लू की भी माँ ये हो जाएंगी, और इनकी पत्नी जो ये है ये कौन है दोस्तों, पत्नी, यहाँ पे हम रख देंगे ये और यहाँ पे रख देंगे दोस्तों ये प्लस। अब दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे तो इसमें कहा है कि अब देखिए जब ये क्यू की माँ ये हो जाएंगी और एक्स की माँ ये है, तो जब क्यू की माँ, अब ये क्यू का भाई है तो जब ये क्यू का भाई है एक प्रकार से कह लीजिए, इसकी भी माँ आर की भी माँ यही हो जाएंगी पी, आर की भी जब माँ यही हो जाएंगी पी, तो आर का जो ये संताने हैं, जो देखिये आर की जो ये संताने हैं, और इधर देखिए जब ये आर की संतान है एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो एस का, एस की देखिए एस के ये पिता हैं और ये एस की माँ है, और माँ का जो भाई होगा ये जो एस की, एस के जो ये कौन हो जाएंगे आर, एस के माँ का जो भाई हो जाएगा तो एस के ये मामा बन जाएंगे ना, एस के मामा बन जाएंगे, जब ये एस के मामा बन जाएंगे, मामा की जो संताने होंगी वो एस की कौन होंगी, अब यहाँ पे वो एस की क्या हो जाएंगे, देखिये ममेरा भाई या बहन बनेगा जा करके माँ के भाई का पुत्र, देखिए तो क्या बोल देंगे, एस के माँ के भाई का पुत्र है, तो यहाँ पे माँ के भाई का पुत्र देखिए ऑप्शन में मौजूद भी है, माँ के भाई का और आगे लिख दीजिए दोस्तों पुत्र, देखिए एस का टी से क्या संबंध हो जाएगा, माँ के भाई का पुत्र से संबंध हो जाएगा, यानी 170 का हमारा
बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 170 के बाद दोस्तों 171 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है कि यदि ए जो है बी की पत्नी है, ए जो होगा बी की पत्नी है, देखिए बी की पत्नी कौन हो जाएगी, देखिए ए जो होगा वो बी की पत्नी है, तो ए जो है वो बी की पत्नी है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पत्नी और ये हो जाएंगे पति, तो यहां से हम लिख देंगे दोस्तों पति शब्द लिख देंगे, तो ये बन गया इनका एक हस्बैंड वाइफ का, ये बन गया दोस्तों पेयर बन गया, ठीक है। आगे देख लीजिएगा सी जो है, कहा है कि बी और डी के पिता हैं, जो कहा गया सी जो होगा वो बी और डी के पिता हैं, किसके पिता हैं दोस्तों बी और डी के, देखिए बी और डी के पिता कौन है, बी और डी के पिता, देखिए इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, इधर ये भाई आ जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा, ये दोस्तों डी बन जाएगा, तो बी और डी के, देखिए बी और डी के पिता कौन बन जाएंगे, बी और डी के पिता हमारे सी हो जाएंगे, इसके भी ये पिता हैं और इसके भी ये पिता हैं, तो ये बन गया दोस्तों हमारा देख लीजिएगा सी। अच्छा ये हो गया, यानी कि बी और डी के पिता कौन है दोस्तों, सी है, ठीक है। फिर आगे कहा गया डी ई का भाई है, अब देखिए डी जो होगा वो ई का भाई है, डी जो होगा वो ई का भाई है, तो डी जो होगा ई का भाई है, तो इसका मतलब हम ई कहीं इधर बना ले, तो ई का ये भाई कौन हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, ये भाई हो गया, देखिए हमने प्लस बना दिया, ई का भाई कह दिया, जब ई का भाई है तो इसका मतलब इसके भी तो ये पिता हो जाएंगे, देखिए इसके भी पिता हो जाएंगे, इसके भी पिता हो जाएंगे। अब कहा गया डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई कह दिया, और ई जो होगा वो एम की इकलौती बेटी है, अब देखिए ई जो हो जाएगी वो एम की इकलौती बेटी है, इसका मतलब ये सी के कौन होंगे, सी की पत्नी होंगी, यहाँ पे सी की पत्नी कौन होंगी, एम होंगी, सी की पत्नी एम है, जब सी की पत्नी एम है इनकी इकलौती बेटी ई हो जाएगा, यही कहा है ई जो है एम की इकलौती बेटी है, तो एम की इकलौती बेटी, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इकलौती बेटी, आगे लिख दीजिए दोस्तों इकलौती बेटी। फिर आगे कहा गया तो एम एम जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, हम कहेंगे ए से किस प्रकार संबंधित है एम, ए से किस प्रकार संबंधित है एम, ये बात आपको यहां से बतानी है। देखिए अब बात पहले समझिए ध्यान से, यहां से मान लीजिएगा ए जो है ए यानी कि बी के जो पिता हैं, देखिए जो ये बी के पिता हो जाएंगे, बात पहले समझिएगा ध्यान से, जो बी के पिता हैं और डी के जो पिता हैं और ई के पिता हैं, ये पिता है सी, यानी कि और ये जो यानी कि ये बी की पत्नी है, बी की पत्नी, तो बी के ये बी की ये पिता है और ये बी की माँ है, तो ये कौन हो जाएंगी इनकी, यानी कि सास हो जाएंगी एक प्रकार से, ये पिता की माँ है ना, यानी कि ए के पति, ये ए के पति हो जाएंगे, ये ए के पति है बी, तो बी की ही तो ये माँ है, जब बी की माँ है तो यहाँ पे हम कह देंगे पति की माँ, देखिए पति की माँ हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे मौजूद है, यहाँ पे लिख देंगे पति की माँ, पति की माँ शब्द हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है, तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 171 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा, और आगे देखेंगे दोस्तों 172 नंबर, और 172 नंबर पे देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, कहा है कि डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित हैं, देखिए डब्ल्यू और टी परस्पर क्या कहा है, विवाहित हैं, तो डब्ल्यू और टी को हम आपस में क्या कर देते हैं, विवाहित बना देते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू हो गया और यहाँ पे टी है, ये कहा गया है कि परस्पर विवाहित हैं, देखिए ये क्या है, एक प्रकार से ये हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने लिख दिया पति पत्नी लिख दिया दोस्तों, ये पत्नी और ये हमने लिख दिया पति, तो ये हो गया, यानी कि डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित हैं और उनके केवल दो बच्चे हैं, अब देखिए इनके केवल कितने बच्चे हैं दोस्तों, दो बच्चे हैं डब्ल्यू और टी के, तो दो बच्चे हो जाएंगे, मान लीजिएगा एक बच्चा ये हो जाएगा एक बच्चा ये हो जाएगा, यानी कि इनके केवल दो बच्चे हैं, ठीक है दो बच्चे हैं, बाकी और देख लेते हैं, उनके केवल दो बच्चे हैं, के और एम परस्पर विवाहित हैं, देख लीजिएगा एक बच्चा यहाँ पे मान लीजिएगा कौन होगा, मान लीजिएगा के होगा, और इधर अभी दूसरे बच्चे का हमको नाम नहीं पता है, लेकिन कहा के और एम जो होंगे वो आपस में विवाहित हैं, इसका मतलब ये दोस्तों ये इनकी बिटिया तो होगी, जो जो इनके बेटे को जो इनकी बेटे की पत्नी बनी होगी तो ये इनकी बच्ची तो कहलाएगी नहीं, यानी कि इनकी बहू कहलाएगी ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे एक प्रकार से, ये कह लीजिएगा पति पत्नी बन गए के और एम, तो यानी कि ये पत्नी हो गए और ये हमारे पति हो गए, तो ये बात हो गई। आगे देख लीजिएगा
के और एम परस्पर विवाहित हैं और उनके केवल तीन बच्चे हैं। अब देखिए इनके कितने बच्चे हैं दोस्तों, तीन बच्चे हैं। देखिए हमने यहाँ पे तीन बच्चों के लिए ये बना दिया दोस्तों, इनके तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे ये कर दिया और उनके केवल तीन बच्चे हैं। फिर कहा गया कि आर जो होगा, आर जो है एस और वाई की इकलौती बेटी है। आर जो होगी वो एस और वाई की इकलौती बेटी है। अब देखिए आर जहां कहीं भी बनाएंगे हम, वो आर जो जहां कहीं भी बनाएंगे वो एस और वाई की इकलौती बेटी है। अब देखिए एस और वाई की इकलौती बेटी है कौन, आर। तो एस और वाई की इकलौती बेटी है आर। तो यहां पे आर जहां कहीं भी बनाएंगे, कह रहा आर जो होगा एस और वाई की इकलौती बेटी नहीं दोस्तों, इकलौती बहन कहा है, ये बात समझ लीजिएगा। यही तो गलती हम लोग कर रहे थे। कह रहा जो आर होगा, मान लीजिएगा ये आर है, आर जो होगा एस और वाई की इकलौती बहन है। देखिए एस हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, तभी तो इनकी ये इकलौती बहन हो जाएगी, ये इनकी इकलौती बहन हो जाएगी, ये हो जाएगी अकेली बहन हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, ये भाई बन जाएगा इनका, और इनके तीन संतानें भी हो जाएंगी, ठीक है। फिर कहा गया जो टी होगा वो एन की माँ है, टी जो है एन की माँ है। देखिए एन की माँ तो इसका मतलब इसके पे इनका एक बच्चा कौन होगा, एन होगा, तभी तो इनकी दो संतानें कहा था। देखिए एक एन संतान हो जाएगा और एक के संतान हो जाएगा। तो कहा गया टी जो है एन की माँ है, टी जो है एन की माँ है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, यानी कि ये माता पिता हो जाएंगे एन के, टी जो है एन की माँ है। फिर कहा है एम का भाई एन है, एम का भाई एन है। देखिए एम का भाई, देखिए यहाँ पे कहा गया है एम का भाई एन है, हाँ ठीक है दोस्तों, ये एम का भाई हमारा कौन हो गया, ये एम का भाई हो जाएगा हमारा एन। तो यानी कि एम का भाई एन है, ये इनकी बहू बनेगी जाकर के, ये इनका बेटा बनेगा आकर के, ये ठीक है, एम का भाई एन है। अच्छा ये बात हो गई। अब यहां से आगे देखें तो एम का भाई एन है जो अविवाहित है, हाँ इनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो कह रहा क्वेश्चन में के जो होगा आर का पिता है, के जो होगा जहां कहीं भी के होगा आर का पिता है दोस्तों, यहाँ ये आर के पिता हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल सही है, आर के ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, आर के पिता हो जाएंगे, के जो है आर का पिता है। तो कहा गया है टी का वाई से क्या संबंध है, वाई से क्या संबंध है टी का, देखिए वाई से क्या संबंध है टी का, ये बात बताएंगे। तो देखिए इनके इनके पिता कौन है दोस्तों, यानी कि जो आर है, यहाँ पे कहा गया है के जो है आर का पिता है, के जो है के आर का पिता है, आर का पिता हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे कहा गया है कि टी का वाई से क्या संबंध है, ये जो वाई से क्या संबंध है टी का, हमको ये बात बतानी है। तो यानी कि अगर ये कह लेंगे इनके पिताजी के ये पिताजी हैं, तो अर्थात क्या हो जाएंगे, पिता के पिता हो जाएंगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे के और परस्पर विवाहित है, डब्ल्यू टी का परस्पर, डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित है। देखिये डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित है, डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित हैं, उनके केवल दो बच्चे हैं, इनके केवल दो बच्चे हैं, पहला बच्चा ये एम हो गया, दूसरा बच्चा हमारा एन हो गया। के और एम परस्पर विवाहित हैं, के और एम परस्पर विवाहित हैं, और उनके केवल तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे हो गए। आर एस और वाई की इकलौती बहन हो गया, टी एन की माँ है, टी जो हो जाएगा, ये टी जो है हमारा एन की माँ है, ठीक है। एम का भाई एन है, एम का भाई, देखिए एम का भाई एन है, तो ये जो एम का भाई हमारा हो जाएगा, एम का भाई हमारा कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखिए एम का भाई हमारा एन हो जाएगा, तो यहां से एम का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों, एन। तो देखिए एम का भाई हमारा हो गया एन, तो एम कहाँ है हमारा, देखिए एम, एम शब्द हमारा यहाँ पे कहाँ दिया गया, ये एम का भाई एन हो जाएगा, ठीक है, जो अविवाहित है। के आर का पिता है, के जो होगा वो आर का पिता है, के जो है आर का पिता है, ठीक है। तो यानी कि अब इसका देखें तो ये पिता है, तो यानी कि ये इसके क्या हो जाएगी, ये बिटिया रही होगी इनकी, और ये इनका भाई रहा होगा, ठीक है, ये पुरुष हो गया। अब यहाँ पे जब ये के पिता हो गया, तो कह रहा है टी का वाई से क्या संबंध है, हम जब देखेंगे, देखिए यानी कि ये इन बच्चों के पिता के हैं और के की पत्नी एम है। अब एम की जो ये कौन है, एम की जो ये टी है, ये मम्मी पापा हैं एक प्रकार से कह लीजिएगा। तो यानी कि इनके बिटिया के पति, यानी कि इनके बिटिया के लड़के हैं ये, तो हम क्या क्या बोल देंगे यहाँ पे, हम कह देंगे
माँ के माँ है, यानी कि माँ की माँ है, या हम कह देंगे माँ का भाई, यह गलत हो जाएगा। माँ की माँ कह देंगे, बहन का पति, पिता की माँ, नहीं गलत, यहाँ पे माँ की माँ शब्द हो जाएगा। देखिए वाई की माँ कौन हो जाएंगी, एम, और एम की माँ यहाँ पे ये हो जाएंगी टी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे शब्द हमारा क्या बनेगा, माँ की माँ शब्द हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा माँ की माँ। ये दिया गया है हमारा बी पे, तो 172 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 172 के बाद दोस्तों 173 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दोस्तों दिया ये गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन देखने से पहले आपको आपसे थोड़ी सी गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको इसी प्रकार के नए नए नोटिफिकेशन हमारे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और दोस्तों आपकी जो रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की जो प्रिपरेशन हो रही होगी दोस्तों, बेहद ही एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो सके। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे 173 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है। कहा गया कि यदि ए जो है बी का भाई है, ए जो हो जाएगा वो बी का भाई है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, कह रहा ए जो होगा बी का भाई है, बी का भाई, तो बी का भाई कौन हो जाएगा, बी का भाई ए है। तो देखिए बी का हमने भाई कह दिया, बी का भाई यहाँ पे हम लिख दिया भाई सब लिख दिया, बी का भाई ए है। यदि ए बी का भाई है, बी का भाई कह दिया, बी जो होगा सी का पिता है, बी जो होगा वो सी का पिता, देखिए सी का पिता हो जाएगा, ये लीजिए हमने सी का यहाँ पे पिता कह दिया, ये हो गया सी का पिता, यहाँ पे देखिए सी का पिता लिख दिया। अब आगे देखेंगे तो सी का पिता बी हो जाएगा, और डी जो होगा वो ए की पत्नी है। अब देखिए और डी जो होगा, डी जहां कहीं भी होगा वो ए की पत्नी हो जाएगी, तो ए की यहाँ पे पत्नी हो जाएगी दोस्तों, डी यहाँ पे पत्नी हो जाएगी, तो यानी कि इनका एक क्या बन गया, ये हमारा हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया, डी जो होगा ए की पत्नी है बन गई। फिर कहा गया तो डी जो है सी से किस प्रकार संबंधित, सी से किस प्रकार संबंधित है डी, सी से किस प्रकार संबंधित है, ये सी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ये डी हमको ये बात बतानी है, तो सी से किस तरह संबंधित है डी देख लीजिएगा, यानी कि इसके ये पिता हो जाएंगे, सी के पिता के भाई जो हैं अर्थात इनके चाचा, यानी कि ये चाचा की पत्नी अर्थात ये कौन हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी। तो देखिए चाची शब्द हमारा यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ए 173 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। देखिए ये जो सी के पिता हैं, अब पिता के भाई अर्थात ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चाचा हो जाएंगे, पिता के भाई हमारे चाचा होते हैं, अब चाचा की जो पत्नी होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएंगी दोस्तों चाची हो जाएंगी, तो चाची शब्द हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो चाची हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 173 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 174 नंबर क्वेश्चन, यहां से देख लीजिए दिया गया है। कहा गया यदि ए जो है बी का पिता है, ए जो होगा वो किसका पिता है दोस्तों, बी का पिता है, तो देखिए बी का पिता कौन हो जाएगा, ए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा पिता है, तो यहाँ पे हमने पिता शब्द लिख दिया और यहाँ पे हमने प्लस बना दिया, ठीक है। ए जो है वो बी का पिता है, और बी जो होगा सी का पिता है, अब देखिए बी जो होगा वो सी का पिता है, यानी कि सी के पिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, बी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने ये बना दिया और पिता शब्द यहां भी लिख दिया, ये सी के पिता हो गए, बी जो है सी का पिता है, तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है, अब कहा गया ए, तो मतलब कह रहा सी जो होगा, ये जो सी है वो कह रहा है किस प्रकार से संबंधित है ए से, ये बात हमको यहां से बतानी है दोस्तों। तो यहां पे अगर देखें तो ए से सी किस प्रकार संबंधित है, ये बात यहां से बतानी है। देखिए इनके बेटे का बेटा है अर्थात इनका क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, पोता शब्द यहां पे देख लीजिएगा हमारा दिया गया है पोता, या फिर दोस्तों आप क्या कह सकते हैं पोता, हाँ तो पोता हो जाएगा। अब एक चीज और यहां पर समझिएगा, पोता तो है लेकिन इसमें जेंडर नहीं क्लियर किया गया है, इसमें देखिए बता दिया गया पिता है, यहां भी बता दिया पिता है, लेकिन सी को नहीं बताया गया कि ये लड़की है कि लड़का है, ये क्लियर नहीं है, तो हो सकता है पोता भी हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन में पोती भी हम कह सकते हैं, अगर लड़की होगी तो पोती बन जाएगा, लड़का होगा तो पोता हो जाएगा। देखिए पोता पोती तो यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है, पोती नातिन तो ये भी नहीं सही है,
पोता पोती, इसमें देखिए सी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 174 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 174 के बाद दोस्तों 175 नंबर, और 175 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि एस एक परिवार की महिला सदस्य है और उसके तीन बच्चे हैं, एम एस का पुत्र है, एम दो लड़कियों का मामा है जो आपस में बहने नहीं है बल्कि उनकी माताएं आपस में बहने हैं, दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य हो सकता है, ये बात बतानी है। तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, एक डायग्राम ड्रा कर लेंगे, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर हम इन विकल्पों को देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, इस कथन को सर्वाधिक रूप से सत्यता की जांच कर पाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। यहां से यहाँ पे कहा गया एस एक परिवार की महिला सदस्य है, एस जो होगा वो परिवार की एक महिला सदस्य हो जाएगा, महिला सदस्य इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है ये हो गया। अब कहा गया है कि और उसके तीन बच्चे हैं, अब इसके दोस्तों तीन बच्चे हैं, देखिए तीन बच्चों को बनाएंगे तो एक बच्चा ये हो जाएगा, एक बच्चा ये हो जाएगा, एक बच्चा हमारा ये हो गया, देखिए तीनों बच्चे हो गए। अब तीन बच्चों में से क्या कहा गया है, कहा गया जो एम होगा वो एस का पुत्र है, एस का पुत्र मान लीजिएगा कहां पे है, ये पुत्र है तो हमने इस जगह पे एम मान लिया, एम जो है एस का पुत्र है, एम दो लड़कियों का मामा है, अब देखिए एम जो है कह रहा दो लड़कियों का क्या है मामा है, तो जब दो लड़कियों का यहाँ पे मामा हो जाएगा तो एक प्रकार से ये कह लीजिएगा ये कौन हो जाएगी, इस जगह पे एम की ये बहन होगी, एम की ये कौन हो जाएगी दोस्तों, ये बहन हो जाएगी, जब एम की ये बहन हो जाएगी तो इसी बहन के मान लीजिएगा क्या हो जाएंगे, इस बहन के दोस्तों हमारे मान लीजिएगा यहाँ पे इसमें कहा ना दो लड़कियों का मामा है, तो यानी कि इस इनकी जो बेटी होगी, यानी कि इनकी जो ये बेटी होगी, बेटी होगी तभी तो पहली लड़की का मामा ये हो गया, ये एक लड़की का मामा हो गया जो आपस में बहने नहीं है। अब देखिए दो लड़कियां इसी की दो लड़कियां नहीं होंगी तो एक बहन इधर मान लीजिएगा एम की, एक बहन ये इधर भी होगी, एम की बहन ये, तभी तो एस की तीन संतान हो गई, एम इनका बेटा हो गया, बाकी ये एम की ही दो बहने हो गई, जब दो बहने हैं एक बेटी इनकी इसकी हो जाएगी दोस्तों, एक बेटी इसकी हो गई और एक बेटी इसकी हो गई, तभी तो कहा है दो लड़कियों का मामा है जो आपस में बहने नहीं है, ये आपस में सगी बहने नहीं है, ये इसके कहने का मतलब है। अब देखिए अब इसका मामा दोस्तों ये हो जाएगा, ये मामा बन जाएगा और इसका भी मामा ये बन जाएगा, ये मामा यहां से भी आ जाएगा, देखिए अब दो मतलब एम जो है दो लड़कियों का मामा बनने भी लगा है। अब आगे कहा है जो आपस में बहने नहीं है बल्कि उनकी माताएं आपस में बहने हैं, हाँ इनकी माता जो है देखिए इन लड़कियों की जो मम्मी है वो आपस में क्या है, ये आपस में बहन है, हम यहाँ पे लिख देंगे आपस बहने, यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या है, ये आपस में बहने हैं दोस्तों, ठीक है हमने ये कर दिया, बल्कि उनकी माताएं आपस में बहने। फिर कहा गया दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य हो सकता है, पहला कथन देखिएगा, कहा गया है इसका एक पुत्र दो पुत्रियां हैं, बिल्कुल सही कहा, देखिए इसका एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन भी देख लेते हैं, इसके दो पुत्र एक पुत्री है, ये तो गलत कह दिया, इसके दो पुत्र कहां, एक ही तो पुत्र है। फिर आगे कहा इसका एक पुत्र और दो निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसका एक पुत्र दो निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं निर्धारण किया जा सकता है, तो दो तो हमारी बहनें हैं ना, ये तो गलत कह रहा है, इसका एक पुत्र एक पुत्री और तीसरे का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये भी गलत कह रहा है, यानी कि विकल्प नंबर 175 का हमारा ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 175 के बाद दोस्तों 176 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिएगा 176 नंबर पे दिया गया है कि यदि बी और सी भाई है, ए जो है सी की बहन है, ओ डी की पुत्री है, डी बी की पत्नी है, ई ए की माँ है और एफ एफ की पत्नी है, ई जो है ए की माँ है, ई जो है ए की माँ है और एफ की पत्नी है, ई ई ही एफ की पत्नी है, तो ओ का एफ से क्या संबंध है, जैसा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं। फिर देखते हैं, कह रहा है यदि बी और सी भाई है, यहाँ पे बी और सी को हम क्या कर देंगे, आपस में भाई बना देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा हमने ले लिया यहाँ पे बी और सी ले लिया, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने बी और सी ले लिया, ये आपस में क्या है भाई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों भाई शब्द लिख दिया, बी जो है ये भाई है तो हमने यहाँ पे भाई लिख दिया, ठीक है बी जो है बी और सी भाई है तो बी और सी हमने यहाँ पे बी और सी को भाई कह दिया, ठीक है ए जो होगा सी की बहन है,
देखिए सी की बहन है ए, देखिए सी की अब यहाँ पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे सी जो है बहन हो जाएगा ए, ए जो है सी की बहन है, ए जो है सी की बहन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कहा है ओ जो है डी की पुत्री है, ओ जो है डी की पुत्री है, ओ जो होगा डी की पुत्री है, ठीक है। डी की पुत्री जो हो जाएगा वो हमारा ओ हो जाएगा, ओ डी की पुत्री है, ठीक है। वो जहां कहीं भी बनाएंगे वो डी की पुत्री होगा। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डी कहां पे जाएगा, कहा गया डी जो है बी की पत्नी है। देखिए अब यहाँ पे डी जो हो जाएगा ये बी की कौन है दोस्तों, ये डी जो होगा वो बी की पत्नी है, और ये पत्नी है तो इसलिए माइनस, और ये पति हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये पति पत्नी हमारे क्या बन जाएंगे, पति पत्नी, यानी कि इनका एक ये कॉम्बिनेशन यानी कि पेयर बन जाएगा हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। ये बात हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे, फिर आगे कहा गया है डी बी की पत्नी है। अब यहाँ पे कहा गया ओ जो होगा डी की पुत्री है, ओ जो होगा डी की पुत्री है, तो डी की यहाँ पे हम ओ को पुत्री बना देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों डी की पुत्री लिख दिया, अच्छा ये बात हो गई। फिर कहा जो ई होगा वो ए की माँ है, ई जहां कहीं भी होगा वो ए की माँ हो जाएगा, ए की माँ यहाँ पे हो जाएगा कौन दोस्तों, ई हो जाएगा, माँ है इसलिए माइनस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों माँ शब्द लिख देते हैं। देखिए ये हो गया, ई जहां कहीं भी होगा ए की माँ, माँ है, और एफ की पत्नी है दोस्तों, एफ की पत्नी है, तो यहाँ पे हम एफ मान लेते हैं, एफ हमारा इनका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ये एफ की पत्नी है, यानी कि ये एक प्रकार से कहेंगे ये पति बन जाएंगे और ये हमारी पत्नी बन जाएंगी, यानी कि इनका ये हस्बैंड वाइफ का क्या बन जाएगा, हमारा एक पेयर बन जाएगा। यहां से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे और देख लीजिएगा, आगे कहा है तो ओ का एफ से क्या संबंध है, तो हम कहेंगे एफ से क्या संबंध है ओ का, एफ से क्या संबंध है ओ का, देखिए एफ से क्या संबंध है ओ का, ये बात यहां से हमको बतानी है। तो एफ का क्या संबंध है दोस्तों, कहा गया है ओ से हमको यही बात बतानी है। तो यहां पे देखेंगे, अब समझिए कैसे, यहां पे देखिए ओ जो है, देखिए ओ जो है, ओ जो है डी, डी जो है ओ की क्या है, माँ है, और ये ओ के कौन हो जाएंगे, ये ओ के ये हो जाएंगे पिता हो जाएंगे, ये ओ के पिता हो जाएंगे। अब पिता के भाई, देखिए पिता के भाई ये कौन है, सी है, जब पिता के भाई सी है, और सी की बहन ए है, और इनकी माँ, तो जब इनकी माँ तो सी की भी माँ और बी की भी माँ, ये यानी कि ये बी के कौन हो जाएंगे, बी के ये पिता और माता पिता हो जाएंगे, बी के पिता हो जाएंगे, एफ जो है बी के पिता है, तो जब एफ बी के पिता है तो यानी कि देखिए इनके पुत्र की ये पुत्री है, यानी कि पुत्र की पुत्री, देखिए एफ के पुत्र ये बी हैं और बी की पुत्री हमारी ओ है, तो यानी कि पुत्र की पुत्री, देखिए पुत्र की पुत्री हमारा यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इनका संबंध हो जाएगा पुत्र की पुत्री, यहाँ पे लिख दीजिए पुत्र, आगे लिख दीजिए की पुत्री, पुत्र की पुत्री शब्द हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 176 के बाद दोस्तों 177 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है यदि आई जो है जे का मामा है, के का पुत्र है, एम का इकलौता भाई, भाई एल का, एम का इकलौता भाई, यहाँ पे देखिए एम का इकलौता भाई शब्द लिखा है, एम का इकलौता भाई, फिर आगे कहा एल का पिता और एन का भतीजा है, तो एम का जे से क्या संबंध हो जाएगा, ये बात यहां से हमको बतानी है। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको देखना है, समझना है, और हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए कहा है यदि आई जो है जे का मामा है, आई जो होगा वो कौन हो जाएगा, आई जहां कहीं भी रखेंगे हम जे का मामा रख देंगे, तो जे का मामा रखेंगे, देखिए तो जे पहले हम यहां कहीं रखेंगे और जे के ये माँ हो जाएंगी, पहले बात समझिए जे की ये माँ हो जाएंगी, और माँ का ये कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, भाई कौन हो जाएगा, आई, तो जब माँ का ये भाई हमारा आई बनेगा तभी तो जे का ये मामा बनेगा, देखिए तभी तो ये मामा बनेगा, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, हमने इतनी कंडीशन क्लियर कर ली। कहा गया यदि आई जो है जे का मामा है, तो जे का मामा मामा कब बनेगा, जे के माँ के भाई जब होगा वही हमारा जे का मामा बन जाएगा। अच्छा फिर कहा है कि के का पुत्र है, अब कहा है जो आई होगा, आई के बारे में कह रहा, जो आई होगा वो कह रहा के का पुत्र, देखिए के का यहाँ पे ये पुत्र हो जाएगा,
पुत्र है इसलिए यहाँ पे प्लस बना दिया, और के का पुत्र है इसलिए हमने यहाँ पे के का पुत्र बना दिया। ये लीजिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, के का पुत्र है। फिर कहा गया है एम का इकलौता भाई है। अब देखिए जहां कहीं भी एम बनेगा, एम का इकलौता भाई है, इकलौता भाई है, तो यानी कि इस जगह पे ये एम होगी। एम कौन है हमारी माँ है, लेडी है, तो इसलिए हमने माइनस शब्द यहाँ पे लगा दिया, माइनस लगा दिया। और एम का इकलौता भाई है दोस्तों, आई जो होगा एम का इकलौता भाई हो जाएगा। यहां से देख लीजिएगा, इकलौता भाई यानी कि अकेला भाई हो जाएगा, इकलौता आगे लिख दीजिए दोस्तों भाई, इकलौता भाई भी हो गया। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। और एल का पिता और एन का भतीजा है। अब देखिए एल का पिता है कौन दोस्तों, आई, आई जो होगा वो एल का पिता है, एल का पिता है, यानी कि यहाँ पे देखें तो इसके एक ये संतान होगी एल। अब एल का पिता है, देखिए एल का हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एल का ये हो गया पिता हो गया। तो ये जो तीर हमने नीचे के लिए बना दिया है, आप ऐसा करिए इसको, इस तीर को ऊपर के लिए बना दीजिए, तभी तो एल का पिता ऐसा हो जाएगा, एल के पिता हो जाएंगे। ठीक है, एल के पिता हो गए। और एन का भतीजा है, अब ये जो आई है वो एन का क्या हो जाएगा, भतीजा है दोस्तों। एन का भतीजा कैसे बनेगा, तो देखिए जब के का पुत्र है तो यानी कि यहाँ पे हम के का भाई बना दें, इस जगह पे के का भाई बना दें, इसी का नाम रख दें दोस्तों, एन नाम रख दें, तभी तो एन के, एन का ये कौन हो जाएगा, देखिए एन का ये भाई बन जाएगा। बात समझना, भतीजा आई कैसे भतीजा बनेगा, ये बात समझना है आपको, ठीक है ना। आई, आई जो होगा अगर हम के का भाई बना दें, यहाँ पे देख लीजिएगा के का ये भाई हमारा एन होगा, और एन के भाई का ये बेटा है ना, तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, आई जो है एन का भतीजा हो जाएगा। एन का ये कौन हो जाएगा, आई, एन का ये भतीजा बन जाएगा। यहां से हमने भतीजा रख दिया दोस्तों, देख लीजिएगा भतीजा हो गया। अब क्वेश्चन में हमने सारा डायग्राम बना लिया, अब कहा क्या गया है, तो एम का जे से क्या संबंध है, एम का जे से क्या संबंध है। देखिए एम हमारा ये है, जे हमारा ये है, बस कुछ नहीं, इतना बड़ा सा डायग्राम बनवा डाला, लेकिन पूछा क्या गया, कुछ नहीं पूछा गया। कहा गया है एम का जे से संबंध, तो हम लिख देंगे जे से क्या संबंध है, जे से क्या संबंध है एम का। तो देखिए दोस्तों क्या संबंध हो जाएगा, माँ का संबंध है दोस्तों। माँ शब्द यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 177 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 177 के बाद दोस्तों 178 नंबर, और 178 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया कि तीन भाइयों ए बी सी की एक बुआ डी है, डी का भाई ई, ई है, डी का भाई कौन है दोस्तों, ई है, ई जो है एफ से विवाहित है, ई जो है एफ से विवाहित है, एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है, एच जी का इकलौता भांजा है, ई का ए से क्या संबंध है, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो यहां से दोस्तों अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा कि तीन भाइयों ए बी और सी की एक बुआ है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे तीन भाई बना लेते हैं, मान लीजिएगा एक भाई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब आपस में क्या है दोस्तों, भाई है, भाई है, तो इसलिए हमने दोस्तों यहाँ भी प्लस लगा दिया, यहाँ भी प्लस लगा दिया, यहाँ भी प्लस लगा दिया, भाई यानी मेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे हम इनमें लिख देते हैं दोस्तों भाई, और यहाँ भी लिख देते हैं दोस्तों भाई, ये सब क्या है आपस में, तीनों भाई है। अब कहा गया है इन तीनों भाइयों ए बी सी की एक बुआ है, अब बुआ कैसे बनेंगी, यानी इन तीनों के क्या होंगे, पिता होंगे दोस्तों, इन तीनों के कौन होंगे, पिता होंगे, पिता मान लीजिए हैं तो प्लस कर दिया। अब पिता की जो ये बहन होंगी, यहाँ पे देख लीजिएगा जो पिता की बहन होंगी, यहाँ पे बहन, पिता की जो बहन होंगी, देखिए और इनकी मतलब एबीसी की एक बुआ डी है, जो इनकी बहन होंगी उनका नाम क्या बता दिया गया दोस्तों, डी नाम बता दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे दोस्तों, डी, डी रख देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तभी तो इन तीनों की ये क्या बन जाएंगे, इन तीनों की ये बुआ बन जाएंगे, तो हमने यहाँ पे रख दिया दोस्तों बुआ रख दिया। फिर कहा गया है कि डी का भाई ई है, अब दोस्तों डी का जो भाई होगा वो कौन होगा दोस्तों, ई हो जाएगा, डी का भाई ई है, तो देखिए ये जो डी है इसका भाई कौन हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे भाई रख दिया, भाई का नाम रख दिया दोस्तों ई, तो यहाँ पे देखिए हमने प्लस बना दिया। अच्छा ये बात हो गई, अब आगे और देख लीजिएगा, डी का भाई ई है, डी का भाई हमारा ई है, ई जो है एफ से विवाहित है, ई जो होगा एफ से विवाहित है, ई जो है ये ई जो है एफ से विवाहित है, एफ से विवाहित है, तो देखिए जो ई होगा एफ से विवाहित हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिएगा कहीं पे एफ हो गया, एफ से विवाहित है, इसका मतलब ये लेडी होगी,
यानी तब ये हो गया हमारा, ये पत्नी हो जाएगी इसकी, ये कौन हो जाएगी इसकी, ये पत्नी हो जाएगी, तो इनका ये हस्बैंड वाइफ का हमारा बन जाएगा पेयर बन जाएगा, हमने पेयर बना दिया। ई जो है एफ का, ई जो है एफ से विवाहित है, एफ का इकलौता सहोदर, इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है। अब देखिए यहाँ पे इसने, हमने ई तो बना लिया, अब यहाँ पे ये कहा है कि जो ये एफ है, एफ का इकलौता सहोदर। अब दोस्तों इकलौता सहोदर का मतलब क्या हो जाएगा, ई का इकलौता सहोदर यानी कि ये पति पत्नी बन जाएंगे, ई का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है, यानी कि एफ का। अब देखिए आगे हमको बनाना चाहिए, अब आगे जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, बात समझ जाएंगे ना आप। तो अगर ना समझ में बात आई हो तो मैं फिर से डायग्राम को मिटा करके फिर से बनाऊं, तो अगर आप चाहें तो समझ लीजिएगा। देखिए एफ जो है, एफ का एक भाई, एक मतलब यहाँ पे कहा है एफ का इकलौता सहोदर, सहोदर मतलब हम भाई को ही बोलते हैं, भाई बहन को ही बोलेंगे, इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है। देखिए इसका विवाह नहीं होगा, एफ का ये कौन है दोस्तों, ये एफ का, यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ का ये कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो एफ का ये भाई हो गया, ठीक है। एफ का भाई हमने आगे लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि एफ का भाई है, एफ का भाई जी है। एच, एच जो होगा जी का इकलौता भांजा है। अब देखिए जी का इकलौता भांजा कौन है दोस्तों, जी का इकलौता भांजा एच है, यहाँ पे जी का इकलौता भांजा यहाँ पे कौन है दोस्तों, जी का इकलौता भांजा एच है, तो जी का इकलौता भांजा, तो भांजा शब्द यहाँ पे मान लीजिएगा, यहां से हम क्या करेंगे इसको नीचे इधर बनाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया भांजा, हो गया भांजा, इसका नाम एच है, हमने एच रख दिया। अब आगे देख लीजिएगा जी का इकलौता भांजा यहाँ पे हमारा एच हो जाएगा। अब यहां से आगे और क्या कहा गया है, एच जो है जी का इकलौता भांजा है, तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है, देखिए ई का ए से क्या संबंध है, ए हमारा यहां पे है। अब पहले बात ध्यान से समझिए, ई के एबीसी, ई का यहां पे पूछा है ई का ए से क्या संबंध, हम कहेंगे ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है, यहां पर देखिए ए से क्या संबंध है ई का, इस जगह पे हमको ये बात बतानी है। तो देखिए कैसे, अब पहले बात समझिए, ये एबीसी की बुआ कौन है, डी है, डी का जो बुआ का जो भाई होगा, देखिए बुआ के भाई ही तो है, जो बुआ का भाई होगा वही हमको बताना है कि बुआ के भाई से इनका क्या रिश्ता बन जाएगा, बुआ के भाई से क्या रिश्ता बन जाएगा। अगर हम देखें तो बुआ के भाई को एक प्रकार से क्या कहा जा सकता है, चाचा कहा जा सकता है दोस्तों, तो चाचा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, बुआ के भाई हमारे क्या बनेंगे दोस्तों, चाचा बनेंगे, तो चाचा हम लोग कहेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 178 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे देख लीजिएगा 178 के बाद दोस्तों 179 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि यदि बी जो है सी की माँ है, बी जो होगी, बी कह रहा है सी की माँ है, तो देखिए, और फिर डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है, और ई डी का बेटा है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे इसने सबसे पहले ये कहा है, यहाँ पे कहा है कि यदि बी जो है सी की माँ है, बी जो होगी वो सी की माँ है, तो सी की माँ, तो यहाँ पे हमने सी की माँ बना दिया दोस्तों बी को, तो सी की माँ है बी, तो यहाँ पे माँ है तो इसलिए माइनस बना दिया, तो देखिए सी की यहाँ पे माँ हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे माँ रख दिया। फिर कहा है कि डी जो है, डी सी की बहन है, डी जो हो जाएगा दोस्तों किसकी बहन है, सी की बहन है, डी जो हो जाएगा सी की बहन है, तो सी की बहन यहाँ पे हो जाएगा, डी बहन है इसलिए माइनस कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सी की बहन रख दिया। फिर कहा जो सी है वो ए की बेटी है, जो सी है, ये जो सी है वो ए की बेटी है, तो ए की बेटी है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ए जो होगा ये ए की बेटी है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे सी को बेटी बना दिया, यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा, ए की बेटी सी है, तो ए की बेटी, यहाँ पे हमने बेटी शब्द लिख दिया, बेटी शब्द लिख दिया, और ए की बेटी यहाँ पे सी है, तो यानी कि ये आपस में क्या बन जाएंगे, ये आपस में हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, यानी कि ये पत्नी और ये हो जाएंगे पति, ये इतना से बात हो गए। आगे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे आगे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए जो है, ए ये जो ए है हमारा बी की, यहाँ पे कहा है कि ए मतलब हाँ ठीक है, इतनी सी बात हो गई। आगे देख लीजिए, कहा गया सी जो है ए की बेटी है, सी जो है ए की बेटी, हमने कर दिया, और
ई जो है डी का बेटा है, ई जो होगा डी का बेटा है। तो देखिए डी का बेटा यहाँ पे हम कर देंगे ई को, ये कौन है दोस्तों यहाँ पे बेटा है, इसलिए हमने डी का बेटा है ई, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, डी का बेटा है ई। देखिए डी का बेटा है ई, ठीक है। तो ए जो होगा ई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो होगा कह रहा ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार, देखिए ई से किस प्रकार संबंधित है ए, ये बात यहाँ से हमको बतानी है। तो देखिए अगर आप यहां से देखेंगे तो यानी कि इनका बेटा है, इनका बेटा है, इनकी बहन अर्थात इनकी ये मौसी हो जाएगी, मौसी के जो पिता होंगे, मौसी के पिता जो होंगे यानी कि एक प्रकार से कह लीजिएगा, देखिए मौसी के पिता यानी कि यानी कि इसके माँ के भी तो पिता होंगे। यानी देखिए जब ये जो ई का हमारा ई की ये ई की माँ हो गई डी और डी की ये बहन है सी, तो ये सी और डी के मम्मी पापा है ना ए और बी, तो यानी कहीं ना कहीं ये जो है इनके ई की माँ के पिता है, ई के माँ के पिता है, माँ का पिता देखिए ऑप्शन ए पे मौजूद है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माँ का पिता। देखिए माँ का पिता हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो 179 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के इस पार्ट का और इस पार्ट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए जो है वो बी की माँ है और बी सी का भांजा है, सी डी का इकलौता पुत्र है, डी बी की नानी है, ई एफ का दामाद है, यदि एफ की केवल एक पुत्री है और एफ डी का पति है तो ई का ए से क्या संबंध है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमको कहना ये है, कहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी में से ए जो होगा वो बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, बी की माँ कौन हो जाएगा, ए देखिए हमने यहाँ पे बी की माँ बना दिया दोस्तों, यहाँ पे बी की माँ है ए, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों ये देख लीजिएगा बी की माँ है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने बी की माँ बना दिया, ए जो होगा वो बी की माँ है। अब कहा बी जो होगा वो सी का भांजा है, सी का भांजा कौन है, सी का भांजा बी है, तो सी का भांजा कौन है दोस्तों, सी का भांजा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा सी का भांजा यहाँ पे बताया गया है, सी का भांजा है बी। अब भांजा कैसे हो जाएगा बी, तो यहाँ पे अगर देखें तो सी का भांजा हो जाएगा बी, यानी कि सी का भांजा यहाँ पे कह रहा जो बी होगा वो सी का भांजा है, सी का भांजा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कहीं सी रखें, इस जगह पे सी को हम क्या रख दें, इस जगह पे सी को रख दें इस जगह पे, तभी तो इसका यानी कि इसके माँ का जो ये भाई होगा, देखिए इसके माँ का ये कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, हमने यहाँ से भाई रख दिया, और जब इसके माँ का भाई है तभी ये बी क्या बन जाएगा, सी का भांजा बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया हमारा भांजा बन गया, ठीक है हमने भांजा शब्द रख दिया। अब आगे कहा है कि सी जो है डी का इकलौता पुत्र है, अब देखिए डी का इकलौता पुत्र, तो सी जो होगा ये जो सी है कह रहा डी का इकलौता पुत्र है, देखिए डी का इकलौता पुत्र है, यहाँ पे देखिए डी का इकलौता पुत्र, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इकलौता, आगे देख लीजिएगा हम लिख देंगे इकलौता पुत्र, तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों इकलौता पुत्र हो गया डी का इकलौता पुत्र हो गया। अब आगे और देखिए सी जो होगा वो डी का इकलौता पुत्र है, फिर कहा गया जो डी है वो बी की नानी है, डी जो होगा जहां कहीं भी डी होगा वो बी की नानी है दोस्तों, बी की नानी है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बी की नानी कैसे होगी, जब नानी है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेडी हो जाएगी, तो यानी बी के माँ की ये कौन हो जाएगी, बी के माँ की माँ बन जाएगी, तभी ये बी की कौन बन जाएगी, ये बी की नानी बन जाएगी, तो ये बी की नानी हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गया। फिर कहा गया है सी जो है, नहीं यहाँ पे डी जो है वो बी की नानी है, तो बी की हमने नानी बना दिया। फिर कहा है जो ई होगा वो एफ का दामाद है, ई जहां कहीं भी होगा वो एफ का दामाद हो जाएगा, एफ का दामाद हो जाएगा, एफ का दामाद हो जाएगा। अब एफ का दामाद कहां से बनेगा दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें एफ का दामाद है,
कह रहा है ई जहां कहीं भी होगा एफ का दामाद है, तो यहां से हम ऐसा कर लेते हैं, मान लीजिएगा यहां से ये जो डी है, डी का पति कौन हो जाएगा, डी का पति हो जाएगा यानी ई जो है एफ का दामाद है, तो यहां पे हम मान लेते हैं एफ, ये हो गया प्लस। तो अगर देखेंगे तो ये इनका एक हस्बैंड वाइफ का पेयर बन जाएगा इनका इतने का, और एफ का दामाद है, देखिए जो ये एफ की, जब ये डी की पुत्री ए है तो एफ की भी पुत्री तो ये हो जाएगी, और इसी का जो पति हो जाएगा, देखिए इसी का जो पति हो जाएगा, इसी का नाम क्या रख दें हम, यहाँ पे रख दें ई रख दें नाम, ये तो कहा है ई जो होगा एफ का दामाद हो जाएगा, यानी कि ये देखा जाए तो ये पत्नी है और ये हमारा पुरुष हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे इतने हमारे, ये देखिए ये इतने हमारे फिर पति पत्नी बन जाएंगे, ये दोनों हमारे फिर पति पत्नी बन जाएंगे, तो ये इनके कौन बन जाएंगे, ये इनके दामाद बन जाएंगे, दामाद हमने लिख दिया दोस्तों, देखिए दामाद लिख दिया, ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब और आगे देख लेते हैं, फिर कहा यदि एफ की केवल एक पुत्री है, अब देखिए एफ की केवल एक पुत्री है, तो हाँ देखिए ये एफ की केवल एक पुत्री ए हो जाएगा, एफ की केवल एक पुत्री है, ठीक है, और एफ जो है डी का पति है, देखिए अब इसने कह भी दिया है जो एफ होगा वो डी का पति है, देखिए डी का हमने पति पहले ही बना दिया है, तो ई का ए से क्या संबंध है, हम कहेंगे ए से क्या संबंध है ई का, देखिए ए ढूंढ लीजिए कहां है ए, तो कहा गया है ये ए जो है, कहा गया है इस ए से क्या संबंध है ई का, तो ए से देखिए ये ए से क्या संबंध है ई का, ये बात बताना है, तो ए से संबंध ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति का संबंध हो जाएगा, यानी पति शब्द हमारा देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 180 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपका यदि कोई सलाह या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।